थी कि तीन तीन टीमें, हम लोगों ने कोशिश की थी तीन टीमें एक दिन आ जाएं, पर राज्जी ने वो होने नहीं दिया। बोलते नहीं, दो टीम्स ही आएंगी, दिन भी साथ ही रहेंगे, अंग भी 14 ही रहेंगे, और ये सारी टीम्स किस प्रकार की सुंदरता लेकर आएंगी, ये सब उनके हाथ में है जो आपके दिल में उपजा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखुने त्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं श्री परम धाम चर्चनी सहयोगिता के 7वें दिन की तरफ। आप सब सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। हिंडोले और चहबच्चे, हिंडोलों की ताली चहबच्चों पर पड़ती हुई कितनी सुंदर दिखाई देती है। आज के कार्यक्रम में भी हम उन्हीं का आनंद लेने वाले हैं। आप दोनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, कितनी माया की अड़चनों को पार करके ये सुंदर साथ आज भाग लेने आए हैं, ये धनी का दिल जानता है और उन सुंदर साथ जी का दिल जानता है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं।
हिंडोलों की तरह झूलते हुए प्यारे अक्षर भी हमने देखे इधर से उधर जाते हुए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप सब सुंदर साथ जी को हार्दिक शुभकामनाएं। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी, तुझे तेरे पियू ने जगाया। जी सुंदर साथ जी, आपका पहला प्रश्न है, श्री बट पीपल की चांदनी और श्री बड़ो वन की चांदनी में समानता और अंतर बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी नीता जी। हाँ जी, समानता और अंतर बतलाने तो बतलाइए कौन कौन से हैं। समान तो ये है कि दोनों की चांदनी में चार छह बच्चे आए हैं। इसमें ना इसकी चार भौम पांचवी चांदनी आई है, उसकी पांच भौम छठी चांदनी आई है, ये तो दोनों में अंतर है। और समानता ये है कि दोनों में हिंडोले आए हैं, इसमें भी हिंडोले हैं उसमें भी हिंडोले हैं। ये बड़ो वन पांच भौम वाला, ये वाला पांच 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 भौम पांच हार वाला है ना ये? हाँ पांच हार वाला। ये बड़ो वन वो है जो 10 भौम बराबर 1 भौम आया है। हाँ 10 भौम वाला। अच्छा, वही दोनों में समानता यही है। लाल चबूतरे के सामने आया है। हाँ जी। हाँ जी। दोनों के ऊपर चार बच्चे आए हैं चारों कोण पर दीदी। हाँ जी ये तो समानता हो गई। तो समानता में फिर तो बट पीपल के ऊपर भी चार छह बच्चे आए हैं, तो बड़ो वन की चांदनी पर भी चार छह बच्चे आए। हाँ ये तो एक समानता हो गई। समानता हो गई। और इसमें भी चार हिंडोले की ताली पड़ती है, और उधर जो है हमारे बड़ो वन में भी चार हिंडोले की ताली पड़ती है। हाँ जी समानता है, ये समानता हो गई। अंतर ये है, ये हो गया कि ये पांच बोम चार बोम छठी पांचवी चांदनी है, और ये एक बोम 10 बोम बराबर जी। और दूसरा एक ये कि यहाँ पर हमारे बड़ो वन के अंदर जो नहरें नहीं आई और इनके छह बच्चे नीचे नहीं आए हैं। हाँ जी, केवल केवल चांदनी में समानता और अंतर बताना है, केवल चांदनी में। आप दोनों की चांदनी के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों में क्या समानता दिखाई दे रही वो आप बता चुके हैं, बस उसको एक बार फिर से रिपीट करके आप लॉक कर सकते हैं। अच्छा, समानता तो यही है कि उनमें चार छह बच्चे दोनों पर आए हैं, और बड़ो वन पर भी आए हैं, ये तो समानता है। और इसकी बड़ो वन के जो जो एक सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये कि इसने 30 मंदिर चल करके जो है रंग महल से मिलान किया है, जबकि बट पीपल की चौकी ने 2 मंदिर चल करके ही जो है हमारे जो है छज्जों से और नीचे घरों से मिलान किया है। हाँ जी, आप अपनी टीम से डिस्कस करके जल्दी से इनको लॉक कर सकते हैं। मेरे बड़ो वन ने 31 मंदिर चल के श्रीनिवास जी किया है। एक एक मंदिर की रोंस भी आ गई ना, लाल चबूतरे के बाद एक मंदिर की रोंस। हाँ, एक मंदिर के रोंस है 31 मंदिर। जो लाल चबूतरे के पास एक मंदिर की रोंस है ना, वहाँ तो ऊपर छज्जा आया हुआ है, वहाँ बड़ो वन को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। सिर्फ 30 मंदिर ही चल पाए। हाँ जी हाँ जी ठीक है। इसे ना बोलिए आप, हाँ, लोक कीजिए आप लोक कीजिए। श्री राजी महाराज की मेहर से बोलो। श्री राजी महाराज की मेहर से हमने श्री मार्फत सागर में डूब कर ये उत्तर दिया, कृपया इसे लोक कीजिए।
अरे वाह, बहुत सुंदर। राज्जी की मेहर से श्री मार्फत सागर में डूबकर ये उत्तर दिया, बहुत सुंदर। और आपके बिल्कुल सही उत्तर है, चांदनी पर, दोनों की चांदनी पर चार चार छह बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि आगे हमारे आने वाली टीम भी है, तो हिंडोलों के साथ छह बच्चे भी हैं। और सुंदर साथ जी, जहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है, आप कृपया थोड़ा सा उस रूम में बैठिए जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो। हाँ जी, और अंतर ये है कि उनकी चांदनी ने 30 मंदिर आगे चलकर मिलान किया है। आपके रूम से काफी आवाजें आ रही है सुंदर साथ जी, कृपया शांत रूम में बैठिए, शांत कमरे में। हाँ जी, बिल्कुल सही। और श्री बट पीपल की चांदनी ने आगे कितना, एक मंदिर और 67 हाथ, या फिर दो मंदिर भी कह सकते हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर, इसको बहुत सुंदरता से आपने ग्रीन कलर से जाकर श्री मार्फत सागर में लॉक किया अपने दिल में, बिल्कुल सही जवाब। आइए चलते हैं, आर यू रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन? जी 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 जी। अरे वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। और सारे सुंदर साथ आप बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही दे रहे थे मिलके, ये बहुत प्यारी बात। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये कृपया थोड़ा सा शांत कमरे में बैठने की कोशिश करें। और श्रीनिवास जी आप ये पढ़िए। प्रणाम जी। आनंदवतनी आयु लीलो मंग कर, हंसते खेलते चलिए देखिए अपनो घर। श्री करंतन प्रकरण 80:24। इस प्रेममयी चितवनी में डूब जाने से परम धाम के आनंद का रस मिलने लगा है, जिसे अपने हृदय में बहुत उत्साह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार चितवनी में अपने पंच भौतिक शरीर एवं ब्रह्मांड को भूलकर स्वयं को परात्म का स्वरूप मानते हुए प्रियतम के प्रेम में खो जाना चाहिए। हाँ जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। यदि कोई भी सुंदर साथ म्यूट हो जाए तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, टीम के उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आइए चलते हैं, इतनी सुंदर प्यारी चौपाई, आनंद वतनी आयो लीजो उमंग कर, तो इसी उमंग के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सुंदर साथ। मोह माया के झूठे भरम में रे क्यों भरमाए, रे मन क्यों भरमाए, रे मन क्यों भरमाए, रे मन क्यों भरमाए। मोह माया के झूठे भरम में रे। हां जी सुंदर साथ जी, देखो सखियों मेरा भी तो दम, दसवीं आकाशी की देहुरियों से थोड़ा सा ही तो हूँ कम। पूछो तो जान। हां जी श्रीनिवास जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जो है, ये जो हमारा फूल बाग के अंदर जो 30 छह बच्चे आए ना, पौने 25 मंदिर के, पौने 25 हाथ के,
क्योंकि हमारी जो दसवीं आकाश में देरी आई वो 25 साल की आई है। फूल बाग में जो 6 बच्चे 3006 बच्चे आए हैं ना जी, तो और सुंदर साथ से पूछिए दसवीं आकाश, दसवीं आकाश की जो देरियां हैं वे 25 साल की आए हैं। दसवीं आकाश पे जो देरियां आई हैं, हाँ, एक मंदिर के ऊपर जो दो दो देरी आई हैं वे 25 साल की हैं। 12,000 आई हैं। हाँ जी, और ये जो जो थोड़ा जो ही बच्चा हमारा आया है 3006 बच्चे फूलबाग में आए हैं वो 25 थे जी। मेरे ख्याल से तो बाकी सुंदर साथ बताइए जी। हाँ जी वही है नाम जी सुंदर साथ जी वही है। शांति देवी जी, हाँ शांति देवी जी, हाँ जी वही तो लगता है। नेहा जी, आंटी जी मुझे भी वही लगता है। दिव्या जी तो थोड़ा अभी ठीक नहीं लग रहा है उस पर जो आप बताइए। 12,000 से थोड़ा सा ही कम है, ऐसी कौन सी आइटम है मतलब कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मतलब 12,000 से थोड़ा ही कम है? नहीं ये 12,000 की गिनती नहीं है श्रीनिवास जी, ये जैसे साइज हो गया ना, देरियों का साइज है 25 साल का, और हमारे जो 3006 बच्चे उनका साइज है 25 साल। संख्या से नहीं है? अच्छा, संख्या से नहीं, साइज से। साइज 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 तो फूल बाग के जो हमारे 3,000 वो आए हैं 6 बच्चे, 6 बच्चे हाँ, प्रथम पहले जो उसके अंदर नहर के अंदर 25 साल के। हाँ जी, और देवरी हमारी 25 साल की है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक सब सुंदर साथ किसी से भी करो, किसी से भी लॉक करा दीजिए। हाँ जी सुषमा जी लॉक कीजिए। प्रणाम जी, श्री नाथ जी की मेहर से हमने श्री माता शारदा जी ने उत्तर दिया, प्लीज इसे लॉक कीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही था सुंदर साथी, ये श्री फूल बाग के वही 6 बच्चे हैं, 3006 बच्चे जो कि 25 साल के हैं, और हमारी श्री दसवीं चांदनी की देवरियां 25 साल की है। तो देखो सखियों, मेरा भी तो दम दसवीं आकाशी की देवरियों से थोड़ा सा ही तो कम। ये सुंदर प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ जी, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर दोनों प्रश्न बिल्कुल सही, हमारी चित्रांशी बिटिया उनको लिखती जा रही है, डेफिनेटली 100% बहुत सुंदर। आइए चलते हैं अगली चौपाई की तरफ कि राधे महाराज ने आज कौन सी चौपाई हमें दी है। नेहा आप पढ़िए। प्रणाम जी, नेहा महेश्वर। एक मिनट, तुम्हारी ना आवाज गूंजती है जब बोलते हो, तो वो मेरे ख्याल श्रीनिवास जी जब ऑन करते हैं तो उनके मेरे ख्याल डबल कुछ चल रहा है, तो तुम्हारी आवाज गूंज रही है, ऐसा होता है? वो एक्चुअली ना उनके शायद ना उसमें सेल में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर डबल डिवाइस हो तो उनकी गूंजेगी, तो वो काफी थोड़े दिन से हो रहा है, तो बीच बीच में म्यूट करती रहूंगी मैं, नो वरीज। हाँ जी हाँ जी नेहा, प्रणाम जी। ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए अंग, तो भी इश्क ना आया नहचे धनी सुख रंग। यह किरणतन की प्रकरण, आंटी आप साथ दीजिए, इसको कैसे बोलेंगे? 74 प्रकरण 74। हाँ जी सुनीता जी आप साथ दीजिए, वेरी गुड। हाँ जी चौपाई नंबर 34। इस प्रकार धनी ने मेरी आत्मा के हृदय में पर आत्म के कई सुखों का अनुभव कराया, फिर भी धनी से अखंड आनंद लेने के लिए मेरे अंदर इश्क नहीं आ सका। चितवनी में डूबने पर आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सब सुंदर साथ या अपनी पर आत्म का स्वरूप नजर आता है। इसे ही आत्मा के थाम हृदय में पर आत्म के सुख का प्रकट होना कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर हमारी नेहा भी और हमारी श्री मुखवाणी की चौपाई,
चितवनी महिमा से संबंधित कितनी सारी चौपाइयां हमारे पूज्य श्री राजन स्वामी जी ने खोज खोज कर खजाने एक सुंदर किताब बनाई, उसको जरूर हम सब सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी वो भी जरूर उनका मंथन करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। आइए चलते हैं आपके सुंदर श्री चरणों में, कोटान कोट प्रणाम जी, सुंदर साथ जी कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। अब सुंदर साथ जी हम चल रहे हैं रैपिड राउंड की तरफ। हाँ जी, तो अनम्यूट करते रहेंगे सुंदर साथ जी, यदि कोई भी सुंदर साथ म्यूट हो जाए तो आप बताइएगा, मैं टीम को फटाफट अनम्यूट कर देंगे हम लोग। हाँ जी, तो तैयार हो जाइए सुंदर साथ जी, रैपिड राउंड आने लगा है, तो आपस में जल्दी से, रैपिड मतलब फास्ट डिस्कशन, फास्ट आंसर। हाँ जी, पहला प्रश्न, मेरी चांदनी से, मुझे लगता है सारे सुंदर साथ पहले प्रश्न का ही इकट्ठे उत्तर दे देंगे। आपकी तीन लाइफ लाइन बची हुई है सुंदर साथ जी, कुछ ले लेना। मेरी चांदनी से रंग महल की निरत की हवेली दिखाई देती है, बट पीपल की चौकी की चांदनी। आप मिलकर लॉक कीजिए सारे सुंदर साथी, सिर में मिलकर श्री राज्य की मेहर से, श्री माता जाए। अरे वाह, पूरे हिंडोले निरत करते हुए दिखाई दे रहे थे अभी, अति सुंदर। हाँ जी, दूसरा प्रश्न, 33 हाथ 33 हाथ, 33 हाथ का छज्जा, दूसरी बोम से लेके आठवीं बोम। हाँ जी, आपने बहुत जल्दी बता दिया, आप तीन शोभा बताइए, सिर्फ हाथ की या मंदिर की भी? हाथ। आपका आपका उत्तर बिल्कुल वो है, सिक्योर हो गया है, आप वैसे ही सुंदर साथी इंफॉर्मेशन के लिए तीन शोभा बताइए। और सुनीता जी, नीचे परिक्रमा में जहाँ पर उड़ जाए वहाँ पर 33 हाथ बचता है परिक्रमा में। हाँ, अरे वाह, शांति देवी जी, अमेजिंग, बहुत सुंदर। हाँ जी, सही बोला। हाँ जी, सुषमा, सुषमा दीदी कुछ बोल रहे हैं। 10वीं आकाशी पर जो चांदी जी द्वारा सीढ़ियां उतरी है नीचे, वो दो मंदिरों 33 हाथ की जोड़ी। बिल्कुल। अरे वाह, बहुत सुंदर, आपने तो तीन भी बड़ी जल्दी बता दी, पांच बताते नहीं। बहुत बिल्कुल परफेक्ट, आप इनको लॉक कीजिए मिलकर सारे सुंदर। श्री राज जी की मेहर से, अभी तो ना उत्तर से ज्यादा सुंदर साथ लॉक करने का जो स्टाइल है ना सुंदर साथ का, उसपे इतना मोहित हो गए सारे सुंदर साथ, क्या बात है, अति सुंदर। आपके दो प्रश्न वो भी गए पता ही नहीं लगा। हाँ जी, मैं प्रश्न बोलती हूँ, तीसरा प्रश्न है, 105 वृक्ष, 105 वृक्ष। श्रीनिवास जी, 105 वृक्षों ने ईशान कोण पे छाया डाली है, ताड़वन के वृक्षों में। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, ताड़वन के जो 10 बॉम्ब के जी, नेहा जी 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 ठीक है जी, लोक कीजिए नेहा जी। राज्य की मेहर से हम हार्पर सागर में डूबकर उत्तर दिया है, इसे प्लीज लॉक कर दीजिए। अरे वाह, इतने प्यार से, इतनी मुस्कुराहट से बोलेंगे तो वो तो डबल लॉक हो जाएगा राजी के दिल में, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही सुनीता दीदी, ये किस रिवीजन क्लासेस का असर है, ये राजी की मेहर का तो असर है ही है, ये कैसे 105 एक मिनट में आ जाते हैं सुंदर साथ जी, क्या बात है। और पता है हमारी प्यारी मोनिका दीदी प्यारे प्यारे प्रश्न लिखते भी जा रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, अति सुंदर, कितनी प्यारी सेवा, बहुत प्यारा। सोनिया दीदी, आपकी मेहनत का असर है।
नहीं, ये राज्जी की मेहर का असर है जो हम सब पर वो रंग वो रस उड़ेगा है। बिल्कुल। आइए चौथा प्रश्न, ये देखिए पहले कुछ सेकंड्स में आता है कि नहीं, लेट्स सी। दसवीं आकाशी की दहलान की चांदनी पर जाने के लिए सीढ़ियां, ग्यारहवीं आकाशी में जी, दसवीं आकाशी की दहलान की चांदनी मतलब ग्यारहवीं आकाशी, ग्यारहवीं पे जाना। तो ये ना हमारे जो जो हमारे दहलान आई है ना, तो ये इनके बीच में ना जो दीवार आई है, जो अक्सी दीवार है, तो उसमें से रास्ता गया ऊपर जाने के लिए, हर 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 एक, हर एक मन, मतलब उसे दहलान। श्रीनिवास जी, वो जो ग्यारहवीं चांदनी है ना, जो हमारा क्रिसल हांस के दो गुर्ज है ना, 66 हाथ के बाद जो 33 हाथ की जो जगह बचती है, वहां से दो सीढ़ी है, और दो सीढ़ी हमारी दहलान के अंदर में गली, हाँ जी गली में जो तीन सीढ़ी चढ़ के चबूतरा उठाया है ना परिक्रमा के हिसाब से, तो उसमें दो सीढ़ी, दो बाहर हैं, दो अंदर हैं, चार सीढ़ी, हाँ जी चार सीढ़ी। तो मेरे ख्याल से तो यही है, यही हो वो दोनों ही सही है, वो भी चार सीढ़ी, हाँ जी हाँ जी वो भी सही है, दहलानों के बीच में बाएं दाएं तो दरवाजे वो आए खुले खुले मेहराब आए, और जो बीच में उससे अक्सी जो दीवार है उससे ऊपर जाने के उनमें अंदर अंदर रास्ते, हाँ जी वहां से भी, और फिर अगर स्पेशल हाथ पे जाएंगे तो वो चार सीढ़ी भी होमवर्क बंद, इसे लॉक कराइए दिव्या जी, इसे लॉक कीजिए। राजी की मेहर से दिव्या जी बोलो, बोलो दिव्या जी, आवाज लॉक कीजिए दिव्या जी, म्यूट हो रहे हैं मेरे ख्याल, दिव्या जी आपने म्यूट कर लिया, मेरे ख्याल अभी, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप लॉक कीजिए। श्री राजू मराठी ऐसी बातें कर रहे थे, हमने यहाँ पे लॉक किया, हाँ जी अति सुंदर। तो देखिए अलग अलग शहरों में बैठे हुए ये हिंडोले कितनी दूर से ताली दे रहे हैं, और जब ताली देते हैं तो एक दूसरे को लॉक ही कर लेते हैं, कहीं जाने नहीं देती लड़कियां, बड़ी सुंदर अति सुंदर। अब लास्ट प्रश्न है सुंदर साहब जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये आप में से किसी की फेवरेट शोभा हो सकता है। ऐसी कौन सी सीढ़ियां हैं जिन्होंने चढ़ने उतरने के लिए 133 मंदिर की जगह ले ली? ये तो हमारी फेवरेट है। नूर बाग में जो खिड़कियों से उतरने का रास्ता है रंग महल से, तो 74वें मंदिर और 75 मंदिर की जो दीवार है 8 हाथ की, उससे ना 133 बैठती है, 100 तो उसमें सीढ़ी है, और चार चांदे आए हैं, तो ये 832 और एक हाथ की उसमें चौखट आई, 133 बैठती है। हाँ जी हाँ जी बहुत ऐसा, आप सब सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल सहमत, शांति देवी जी लोकी, हाँ जी डॉक्टर। आप लॉक कीजिए शांति आंटी, शांति दीदी प्रणाम जी। श्री राज जी महाराज की मेहर से हमने श्री माथो सागर में डूबकर ये उतर दिया, इसे लॉक किया जाए। अरे वाह बहुत सुंदर, कितने प्यारे लगते हैं सुंदर साथ, श्री मार्फत सागर में डूबकर बोलते हुए इतने प्यारे लगते हैं कि बारी बारी जाए रूहे इन पे। और श्रीनिवास अंकल ये दुपट्टा देने वाले के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी तो अब यही बैठे
यही बैठे हैं, मुझे पता है वो बैठे होंगे पास में, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, आपका लास्ट ये प्रश्न पूछने वाला, फिर मैप की तरफ चलेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोनों नहरों के मध्य वाली रोंस, दोनों नहरों के मध्य वाली रोंस एक एक मंदिर दोनों वनों में गिनी जाती है। दोनों नहरों के मध्य वाली रोंस, दो नहरों के बीच में जो रोंस आई है, ये श्रीनिवास जी फूलबाग और यहाँ पर अनबन के बीच वाली नहर है ना, फूलबाग और अनबन के बीच, वन के बीच वाली नहर, ग्यारहवीं नहर जो है ना, अनबन में और नूरबाग में दोनों में काउंट आदि आदि ये दोनों में सब। सुंदर साथ जी जी, ये शोभा और भी, ये शोभा और भी कहीं आई है? हाँ जी, अनबन और दुग्धलिचा में बिल्कुल यही दशा स्थिति वहाँ पर भी, अनबन और दूध दिलीचा में भी। हाँ जी, उन ये जो हमारा नहरों के जो चबूतरे हैं दोनों में काउंट होते हैं, इधर भी उधर, तो इसे भी लॉक कराइए। आप कोई लाइफ लाइन तो नहीं लेना चाहेंगे श्री सातवा में? सुनीता देवी, श्री सातवन जो वो है हमारे जो आते हैं उनके भी तो नहरों के जो चबूतरे कंबाइंड है ना, सात वन में सुंदर साथ, हमारे जो सुंदर साथ है ना वो स्वयं लाइफलाइन है हमारी, आप उनके चेहरे देख लीजिए, आपको लाइफलाइन की जरूरत ही नहीं है। सुष्मा आंटी आप सही कह रहे हैं, ये भी सही है। तो हमारे पास 104, आप कितने हैं? 6, तो 98 लाइफ लाइन्स बैठी हैं यहाँ पे। हाँ जी, सातवन की और ये अनवन और दुग्धलीचे की दोनों काउंट होते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ द्वारा से प्रश्न समझेंगे क्या, क्या मतलब प्रश्न क्या था वो बेनी? दोनों नहरों के जो चबूतरे हैं ना, दोनों नहरों के चबूतरों के दो नहरों के बीच वाली रोंस कंबाइंड, वो इधर भी आती है, वनों में, दोनों वनों में काम, आप लॉक करिए, सातवन की है, सातवन की है, दोनों बगीचों की नहरें कंबाइंड होती है ना, और अनवन में तो क्योंकि एक ही नहर है उसके खाली रोंस, हाँ जी सातवन का ही है, सातवन इसे लॉक कराइए, इसे लॉक कीजिए। श्रीनिवास श्री राज जी की मेहर से श्री मार्फत सागर में डूब करके ये उत्तर दिया है, इसे लॉक कर दीजिए। अरे वाह, राज जी ने अपने दिल में लॉक किया है, अति सुंदर, बिल्कुल सही पहुंच गए। वो भी आंसर मैं सोच रही थी, नोट्स में इसमें लिखा हुआ है, पर सुनीता दीदी जो आपने बोला था ना, वो रॉस भी दोनों में एक्चुअली में काउंट होती है, तो बड़ा सुंदर उत्तर वो भी दिया था, तो इसमें दोनों मैच हो सकते हैं, अति सुंदर। बस दोनों नहरें थी ना, इस वजह से हमने सातवन को लिया, अगर नहर एक ही होती तो दोनों रॉसें उनमें भी आती है। जी, बाद में ध्यान आया क्योंकि सातवन में दो नहरें मिलती है और उधर में एक नहर की रोज खाली डिवाइड होती है। आप सभी सुंदर साथ की आपस की जो ट्यूनिंग है ना सुंदर साथ जी, वो बिल्कुल इतनी सुंदर है, एक बोलते हैं दूसरे सुनते हैं, सारे उनका समर्थन करते हैं, बहुत सुंदर। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, इतना सारी मेहनत करने के लिए और सुंदर साथ को इतना सुख देने। मैं आ रहा है सुंदर साथ जी, ध्यान से इस चौपाई को बोलना है ना? नहीं नहीं, ये हम बोल चुके हैं, बस वो मैं वेट करते हैं। हाँ जी, आइए चलते हैं। एक क्लिक मैं करूंगी और मुझे लगता है आप पहचान लेंगे।
पॉइंट टू बी नोटेड शुरू में कम से कम दो क्लिक्स में जरूर करती हूँ, पर इस बार एक ही किया गया है, मुझे लगता है आप पहचान लेंगे। सो ये पिंक कुछ समझ में आ रहा है लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा, दोनों बात है। श्री पट्टी जी की चांदनी लेकिन ये लाल क्या है? चांदनी सोचो सोचो मैं हूँ कौन। श्रीनिवास जी ये पिंक मेन है, इस पे ध्यान दीजिए। सुंदर साथ जी ये पिंक जो पीसेज है ना इन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए हल्का। हाँ जी हाँ जी, हमारे पास ना मोबाइल के अंदर तो बहुत छोटा आ रहा है। हाँ जी, आप ना जूम करके देख लीजिए उन पीसेस को। अच्छा अच्छा, जोहरी भी आ रही है नीचे, तो जोहरी आ रही है। हमारी प्रियंका बहुत बड़ी लाइफलाइन बैठी है यहाँ पे, मुझे लगता है उनको पता लग गया है। सुनीता जी हमारा विचार है इसमें ना हमको एक लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। एक पीसेस बढ़वा लीजिए, बढ़ा भी लेंगे ना तब तक ये पूरा नहीं आ जाएगा, तब तक मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है लेकिन कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मेरे। हाँ जी मैं एक क्लिक और करती हूँ, एक क्लिक और करती हूँ। ये तो बन गया सुंदर साथी, पूरा बन गया। अब ये तो बन तो गया, ये टक्करवा सा लग रहा है। ये टक्करवा ही है, ये जो है हमारा सोलह हाथ वाला टक्करवा है, काफी हल्का है ना। हाँ जी सुंदर साहब जी, डिस्कशन शुड बी ऑन, डिस्कशन इसी में वीक थे यही आ गया। श्रीनिवास अंकल आपने बहुत सुंदर तख्तरवा साही लग रहा है, बहुत अच्छा बोला है। उपाल या उपाल तख्तरवा दोनों लग रहे हैं, छोटी भी आ रहे नहीं। तुम इसमें ना लाइफ लाइन ले लो सुनीता जी। हाँ जी लाइफ लाइन ले लो जी, थोड़ा सा ना तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। सुनीता दीदी आपको आता है ये सारे सुंदर आपको इतना घूमने जाते हैं हम, कैसे नहीं आता? हाँ जी श्रीनिवास जी फिर। हाँ इसे ब्लॉक करवाओ, टक्करवाई। ये कौन है, ये क्यूट से कौन है, ये कौन है सुंदर साहब जी, ये भी साथ में है? सुखपाल है ना? सुखपाल जी है, सुखपाल है, हाँ जी हिंट्स आ गया ना कल की जो टीम सुखपाल थी।
उस्मान जी लॉक करवा दीजिए। श्री राज जी की मेहर से हमने मार्कंड सागर जी में डूब कर ये उत्तर दिया, इसे प्लीज लॉक कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, ये बिल्कुल सही उत्तर था। पर मेरी एक प्रार्थना है, आप केवल उत्तर को लॉक करवाइएगा, राज्जी को बोल के कहीं तक तरवा लॉक ना करवा दीजिएगा, उसमें कैसे जाएंगे फिर। ये देखिए बहुत सुंदर, अति सुंदर आप कैसे पकड़ लिया, ये कोई भी शोभा नहीं थी, पर उन सारी शोभाओं पर ले जाने वाले हमारे प्यारे तख्तरवा और सुखपाल जी नए नक्शों में बने हुए कितने सुंदर प्रेम से भीने ये दिखाई दे रहे हैं। सभी सुंदर साथ बनाने वाले, नए नक्शों में सारी सेवाएं देने वाले, प्रूफ रीडिंग की, ड्रॉइंग की, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब इनके पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए। प्रणाम, बिल्कुल दर्शन अब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम अपना कमरा बंद कर सकते हैं, पर ये तख्तरवा जी और सुखपाल जी को बंद कर नहीं सकते, ये लेकर जाएंगे हर जगह बाहर। बहुत सुंदर, अति सुंदर टीम वर्क साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सारे सुंदर साथ को। सबसे प्यारी बात होती है आपस में बात करके, आप लॉक कीजिए, आप लॉक कीजिए, बहुत सुंदर। और आपस में जो बात की ना, यहाँ दिल्ली भी है, यहाँ गुमती भी है, वो प्यार भरी बातें है। अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सोनिया दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हमारा ड्रेसेस का है हरे हरे वृक्षों की टहनियों में, और हरे हरे मेहराबों के अंदर कंचन रंग के सिंगा हिंडोले। अरे वाह, आज का हरे हरे मेहराबों के अंदर कंचन रंग के हिंडोले। अरे वाह, वो कंचन तो नेहा जी में दिखाई दे रहा है ज्यादा प्रोमिनेंट। और आप में ऊपर, हाँ जी, जूम है ना, जूम जो है वो ऊपर ऊपर का दिखाते है ना, तो हरा तो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा था, अभी सुषमा जी में भी दिखाई दे रहा है, सुनीता दीदी में भी, सारे सुंदर साथ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। हमारा जो है वो थोड़ा हल्का गोल्डन है। अरे वाह, क्या बात है, तो कोई गोल्डन के कलर्स देखिए, कोई डार्क गोल्डन, कोई हल्का गोल्डन, पर लगे सारे वृक्षों के पास ही में, और थंबों के भी हैं, क्योंकि थंबों में वो गोल्डन रंग, वो नग लगे हुए, अति सुंदर, बहुत प्यारा। आप सब अपनी स्पीच, विनिंग स्पीच रेडी रखिए, हम अभी आते हैं। श्री चहबच्चों के सुंदर साथ के मुख पर वो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, तो आइए चलते हैं चहबच्चों की। प्रणाम जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इनके बाद आज लास्ट डे है, उनके बाद प्रेजेंटेशन शुरू होंगी, तो सुंदर साथ के मन में काफी प्रश्न थे कि किस प्रकार होगी और कब होगी। तो आज लास्ट डे, कल नॉर्मल फ्राइडे क्विज डे रहेगा, जिनकी टर्न है कल वही करेंगे क्विज। मंडे को भी क्विज होगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे श्री कांगरी टीम का मिस हो गया था, तो वो मंडे को करेंगे, और इससे हमारी प्रेजेंटेशन वाली जो टीम्स हैं उनको भी 4 दिन और मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो मंगलवार से टीम्स की प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएंगी, 1 दिन में एक ही टीम 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करेगी। समय का बहुत ध्यान रखेंगे, 10 मिनट पर मेंबर से ज्यादा कोई सुंदर साथ नहीं लेंगे, कम ले सकते हैं पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। मिक्स एंड मैच करेंगे, वो सारे आइडियाज भी जो जो सुंदर साथ के मेरे पास आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहले दिन पहली टीम, अगले दिन दूसरी टीम, उससे अगले दिन तीसरी टीम, तो 14 दिन हमें पूरे मिलेंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। और टीम्स उनकी डेट्स और दिन के साथ हमारी प्यारी चित्रांशी बिटिया आज ग्रुप में डाल देंगी कि आपकी टीम का कौन सा दिन प्रेजेंटेशन का बनता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
प्रणाम जी, आइए चलते हैं श्री चह बच्चा टीम की अति सुंदर जो वो तैयारी करके आए हैं उनकी तरफ। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री चह बच्चा टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, प्रेम प्रणाम जी। पहला प्रश्न आइए शुरू करते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दी दी, एक मिनट बस चाहिए, प्रभा आंटी ने एक कुछ बोलना है और अंजलि दी ने भी, बस एक मिनट। हाँ जी प्रभा आंटी जी, आप म्यूट। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर साहब जी प्रणाम जी, सभी के चरणों में कुटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सूरज अपना परिचय देता सारा जग चमकाकर, फूल अपना परिचय देता अपनी महक फैलाकर, दीपक अपना परिचय देता अंधकार मिटाकर, सागर अपना परिचय देता मस्ती में लहराकर, चह बच्चे अपना परिचय देते फवारे उछलाकर, सुंदर साथ जी ने दिया है परिचय सहयोगिता निभाकर, सहयोगिता निभाकर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अरे वाह, ये टैलेंट कब आया ये तो मुझे पता ही नहीं था, अति सुंदर। और पता है इतनी सुंदर ये सहयोगिता चल रही है कि मैंने देखा उस दिन भी एक मम्मा बैठी थी, उनको पता ही नहीं था मेरी बिटिया ने ये प्रश्न बनाया है। आज भी एक माँ बैठी है और मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो कितनी प्यारी ये सहयोगिता की अपने दिल में समेट कर उसी दिन वो आनंद जो यहाँ बैठ कर आता है ना, वो आनंद पहले बताने में आता ही नहीं है। बहुत सुंदर आपने चह बच्चों का परिचय दिया। और अब हमें अंजलि जी, अंजलि जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा ग्रंथ है श्री क्यामत नामा, उस किताब की एक चौपाई, बड़ा क्यामत नामा की पहले प्रकरण की पहली चौपाई। खास उम्मत सो कहियो जाई, उठो मोमिनो कयामत आई, कहती हूँ माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, कितना सुंदर आगाज किया हमारे श्री चहबच्चा टीम ने, अति सुंदर। आइए इनके बाद चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, तो कितना आनंद आएगा। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, ये तो पंक्तियां लिख लेंगे हम सुंदर साथ और ग्रुप में डालेंगे, और बहुत सुंदर चौपाई श्री चहबच्चा जी की। आइए चलते हैं। म्यूट हो गया। हाँ जी, आर यू रेडी सुंदर साथ जी? यस। हाँ जी, वेरी गुड। आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, भूम भर सीढ़ियों की शोभा कहाँ कहाँ शोभायमान है, और ये सीढ़ियां आपने देखा किस, और ये सीढ़ियां बिल्कुल चहबच्चों की तरह लहराती हुई, कभी कम तेजी से कभी ज्यादा तेजी से, कितनी प्यारी ये प्रश्न लग रहा था। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, एक तो हमारी 100 सीढ़ियां है ना रंग महल के, हाँ, सौ मुख्य दरवाजे पर ही आई है। हाँ जी, मुख्य दरवाजे की, और चहबच्चों के भी पांचों तरफ 16 आंस के चहबच्चों के भी आसपास की सीढ़ियां, लाल चांदों में, लाल चबूतरा के सामने जो है ना चांदों द्वारा, वो भी जी, और बट पीपल की चोटी की तरफ भी चांदों से भूंबर सीढ़ियां। हाँ जी तरमीन सुंदर सा, हाँ जी वो वृक्षों में भी आई है, लाल हरे वृक्ष में, बट पीपल की चौकी वाले वृक्ष में, हाँ जी, और चांदनी पर जी, चांदनी पर भी दलान में चढ़ने के लिए जो अभी सीढ़ियां हमने देखी थी जी, खड़ोकली में भी जो भूंबर का चबूतरा है, चार चबूतरों पे खड़ोकली में भी तीन तरफ। तरमीन जी बोलो आप। हाँ जी परवीन जी, अनम्यूट हो गए क्या? मीना जी आप बोलो। तरवीन भाभी आप एक बार बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। आवाज नहीं आ रही है। मीना जी आप बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, क्या सही है जी? हाँ सही है, सही है। और कोई शोभा जो आपके मन में हो बता दीजिए मीना, बता दो। ये मैंने चांदनी चौक वाली शोभा देखी, बोलो सीढ़िया वाली, सही है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तरवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अभी तक क्योंकि इतनी सारी एक बार बोलकर लॉक नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी सीढ़ियां आपकी लॉक कर दी गई हैं, आप अपना शब्द लास्ट में बोलिएगा। एक सीढ़ी ऐसी बची है लाल चबूतरा की,
लाल चबूतरे की, बिल्कुल। एक प्रकार की सीढ़ियां ऐसी बची हैं जो सीढ़ी वाला मंदिर, सीढ़ी वाले मंदिर में। हाँ जी, क्योंकि इस टीम में कहा गया था कि बहुत दिग्गज बैठे हैं तो प्रश्न भी वैसे ही इनमें आए हैं, तो बिल्कुल आप अब तक सीढ़ियां बता चुके हैं, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, 100% इसमें हो भी चुके हैं। कोई छुपी हुई ऐसी सीढ़ियां हैं सुंदर साहब जी? नूरबाग की सीढ़ियां, नूरबाग की सीढ़ियां। अरे वाह क्या बात, मैं तो अभी आगे आके कान में हिंट देने वाली थी। जी, तरवीन जी, तरवीन जी लॉक कीजिए इसको। हाँ जी, जी आप ही लॉक कीजिए। नहीं नहीं करो करो आप करो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यामत आई, श्री क्यामत नामा। अरे वाह क्या बात है, सुनो मोमिनो कयामत आई, श्री कयामत उठो उठो मोमिनो। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये संदेश, सातवें दिन के लिए यही तो संदेश है कि उठो मोमिनो कयामत आई, कयामत का ही वो दिन, अति सुंदर। और ये मैं ना आगे करके आपको बोलने वाली थी अंडरग्राउंड सीढ़ियां, और आपने पहले ही उनको बोल दिया। प्रियंका वेरी गुड, श्री नूरबाग की छुपी हुई वो सीढ़ियां भी, एक भूम यानी के 100 सीढ़ियां और कितने चांदे, चार चांदे। बिल्कुल सही, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, वेरी फास्ट लग रहा है, रैपिड राउंड चल रहा है इसमें। इसमें भी लॉन्ग प्रश्न पूछा गया था पर अमेजिंग आउटस्टैंडिंग। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रणाम जी, हाँ जी प्रियंका आप ही पढ़िए ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब अंग काट चीरा करूं, माहे भरो मिर्च और लून, कई कोट बेर ऐसी करूं, तो भी ना छूटे एक खून, श्री ग्रंथन प्रकरण 41 चौपाई 6। इस प्रकार का कथन ये दर्शाता है कि इस जागनी ब्रह्मांड में अपनी इंद्रियों को निर्विकार रखने, धनी की पहचान एवं दीदार करने की क्या महत्ता है, और इसकी उपलब्धि ना होना कितना बड़ा ही गुना है। जी सुंदर, हमारे प्यारे धाम धनी की अति सुंदर चौपाई, कितना सुंदर संदेश देती हुई कि सारी इंद्रियों को निर्विकार रख के धनी की तरफ हमें लगाना है। प्रणाम जी, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सुंदर सुंदर चौपाइयों को सजाने की सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आर यू रेडी सुंदर साथ जी? यस यस वेरी गुड। हाँ जी अगला प्रश्न सुंदर साथ जी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा उसमें बैठिएगा। तरवीन भाभी आपके उसमें से आ रही है शायद। हाँ जी प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आपने तो पढ़ने भी नहीं दिया, पहले पूछ लिया उसको, पूछो तो जाने। तीन तरफ मंदिरों की हार,
बीच में जल राशि अपार झांकते डैश दरोखे बाहर तीनों ओर वनों की बहार। तो डैश भी भरिए और बूझिए भी। हाँ जी हाँ जी। अब उसके बाद झरोखे काउंट करो कितने। नहीं नहीं आंटी जी वो खड़ो खली के जो मंदिरों के जो अट्ठासी मंदिर 90 झरोखे हो जाते हैं। झरोखे होते हो मंदिरों में 90 झरोखे हो जाते हैं 88 मंदिरों में बस वो झरोखे हैं। हाँ जी एक बार दोबारा पढ़ लो चेक कर लो। तीनों तरफ मंदिर के हार बीच में जल राशि अपार झांकते 90 झरोखे। हाँ जी 90 झरोखे 90 झरोखे और वनों की बहार। हाँ जी वही जो तीनों ताड़वन आ जाएगा ना जैसे ना ताड़वन के बगीचे में। हाँ जी मीना जी अंजलि जी ठीक है। हाँ जी ठीक लग रहा है। ठीक है लॉक करें। मीना जी लॉक करो। प्रणाम जी उठो मोमिनो कयामत आई है ये प्रश्न लॉक किया जाए। अरे वाह ये शब्द किसने दिया आपको। ये अंजलि दीदी का था। उन्होंने जो चुपाई अभी बोली थी ना श्री क़यामत नामक की पहली चुपाई उसी में से एक चरण है ये। अरे वाह बहुत सुंदर। और ये देखिए इतनी सारी बातें कर ली सब कर लिया टाइमर अपने चले जा रहे हैं फिर भी इतना समय हमारे पास बचा हुआ है अभी तक। तो वेरी वेरी फास्ट सुपर फास्टेस्ट आपकी टीम अभी तक चल रही है। और अंजलि जी बहुत सुंदर शब्द ये आपने चुने उठो मोमिनों कयामत आई अति सुंदर। और ये बिल्कुल श्री खड़ो कली जी ही है। तीन तरफ मंदिरों की हार बीच में जल राशि अपार झांकते 90 झरोखे बाहर और तीनों ओर वनों की बहार। अति सुंदर बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। और आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी चौपाई की तरफ। चांद कमल आंटी आप पढ़िए। अब पार सुख क्यों प्रकाश ये है अपनो विलास। महामत मनसा मिट गई सब सुपन केरी आस। सब सुपन केरी आस। किरंतन प्रकरण 7 चौपाई 9। श्री महामत जी कहती हैं कि परम धाम अपने प्रियतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए। वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं स्वयं ही समाप्त हो गई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। अति सुंदर। और देखिए आपकी ही तरह बिल्कुल सिर पे दुपट्टा आपने बिल्कुल ऐसे लगता है एक श्री चह बच्चा जी। और ये चौपाई भी देखिए बिल्कुल उसी तरह नीले रंग का ओढ़े हुए गोल गोल चह बच्चा जैसी ही दिखाई दे रही है। अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम। इस पूरी प्यारी टीम के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबसे ज्यादा इस टीम के जो प्रश्न बनाने थे ना सुंदर साथ जी उसमें सोचने में इतना समय लगा क्योंकि एक तो नोट्स बनाने वाले बैठे हैं इनमें और एक इनमें मैप बनाने वाली बैठी हैं। ऊपर से अंजलि जी हैं चांद कमल जी हैं जैमिनी जी हैं और तरवीन जी हैं। तो ये प्रश्न बहुत सोच समझ कर इनको वो किया गया था क्योंकि इनमें से बहुत सारे सुंदर साथ इन्हीं सेवाओं में भी संलग्न थे तो उन्हीं का बनाया हुआ प्रश्न उन्हीं के पास ना आ जाए इसकी बहुत ध्यान रखना पड़ा। पर ये सुंदर साथ ने फ्यू सेकंड्स भी नहीं लगाए और अभी प्रश्न मैंने बोला भी नहीं उनको उत्तर पहले से ही पता था। कितना ब्यूटिफुल है ये सुंदर साथ जी बहुत प्यारा। तो प्रथम टीम और लास्ट टीम ध्वजा कैसे आते आते कितना सुंदर परफॉर्मेंस हो रहा है बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं रैपिड राउंड की तरफ। हां जी तैयार हो जाइए डिस्कशन करने के लिए सुंदर साथ जी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका छप्पन का अंक 56 का अंक कौन सी शोभा। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं बंदे वो दीवार दीवार
दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार, 56 हाथ जो अंडे नौ चौक में सात बाई आठ का त्रिपुरा। हाँ जी त्रिपुरा 56 वो हाथ नहीं है, वो मंदिर गिने जाएंगे। 56 वो तो मंदिर है। हाँ जी 56 का अंक चाहिए, हाथ या मंदिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो हमें एक ही शोभा चाहिए थी, पर मुझे लगता है एक शोभा में जो प्रियंका जी ने बताया एक शोभा में अंक तो पूरे मिल चुके हैं, पर मुझे लगता है आपकी टीम तो पांच बता सकती है, तो तीन तो बताइए कम से कम। रंगपुर वाली मंदिर अपना वो भी बड़ा दरवाजा 88 हाथ का और 56 की वहां पर भी दीवार, और त्रिपुरा भी तो हो गया हाँ जी। तीन अंक आप बता चुके हैं, अब यदि आपको लगता है कि तीनों, वैसे तो एक पे ही लॉक्ड है वो, डोंट वरी आप लॉक कर सकते हैं, पर प्रियंका जी अभी और डुबकी लगा रही है। हाँ जी लॉक करने है, लॉक करने। हाँ जी हाँ जी आप लॉक कीजिए। अंजलि अंजलि जी लॉक करो, आप करो आंटी आप करो। नहीं नहीं करो आप करो। उठो मोमिनो कयामत आई श्री कयामत नामा। अरे वाह बहुत सुंदर, आप लॉक करो आप लॉक करो, बड़ा सुंदर लगता है ये सुनने में। यही प्रेम की सहयोगिता जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ यानी रहनी में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते उतरती जा रही है। सुंदर साजी दूसरा प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके दो चरण हैं पर मैं दूसरा चरण, ये टीम इतनी तेज है मैं दूसरा चरण इनको बताऊंगी नहीं, तो ये मैं डिफिकल्ट करती जा रही हूँ इनके लिए, नोट कीजिएगा। ये जो सुंदर साथ कह रहे थे कि इस टीम में बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ, राज्जी ने पर्ची निकाल दी है, निकल आए हैं, पर इनके प्रश्न भी उसी तरह के जानबूझकर डिफिकल्ट बनाए गए हैं, तो पहला चरण ही मैं बोलूंगी, दूसरा चरण नहीं बोलूंगी, पर यदि जरूरत पड़ी तो दूसरा चरण बोलूंगी। चार चांदे, अग्नि कोण के छह बच्चे पे जैसे हो जाए, अग्नि पे तो पांच है, हर छह बच्चे में आएंगे अंदर फूलबाग के पास नैरथ। हाँ अच्छा वो जल चबूतरे में चार आ जाएंगे, जल चबूतरे में खड़ोकली के भी जल चबूतरे में चार हो जाएंगे, और नैरथ कोण के छह बच्चे में भी चार आएंगे, फूलबाग की तरफ नहीं आएंगे, सारे जल चबूतरों में तो अंदर चार ही आएंगे, चार ही आएंगे, और बाहर की तरफ नैरित कोण में जैसे चार बाहर आ जाएंगे, चार बाहर की तरफ आएंगे। चार चांदे बोले आपने, चार चांदे, चार चांदे। अच्छा नहीं फिर तो वो अंदर जल चबूतरे वाले ही लेंगे, नहीं वो बाहर वाला जो कोनों में उतरती है सीढ़ियां वो भी चांदा ही होता है। उन्होंने चांदे बोला है तो वो सीढ़ियां नहीं बोला है ना दीदी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, चार चांदे कहाँ पर है, चांदा होगा तो सीढ़ी होगी, चार चांद जहाँ चांदा होगा सीढ़ी होगी। जो लाल वृक्ष है जो उसके चौक है उसके भी चार चांदे है, किधर जो लाल हरा वृक्ष के का जो चौक है उसके भी चारों तरफ चांदे है ना, नहीं वो तो तीन तीन सीढ़ियां चांदे नहीं है, चांदे नहीं है, तीन तीन सीढ़ियां हैं, जल चबूतरे वाले ही होंगे वैसे चार, जल चबूतरे वाले हैं। हमें कितनी शोभा बतानी है उसमें, एक या दो? आप एक ऑलरेडी बता चुके हैं, जल चबूतरे बतानी थी, मार्क्स आपके फुल मिल चुके हैं, अभी इन मार्क्स को डबल करना है, अभी 100 out of 100 आपको मिल चुके हैं इसमें, आप पहले इनको लॉक कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको 200 करना है, तो आप पहले लॉक कर लीजिए। हाँ जी चांद कमल जी और लॉक करिए। हाँ जी जी चार चांदे नैरथ्य के कोने में आए हैं चारों तरफ, और जल चबूतरे में भी आए हैं। उठो मोमिनो कयामत आई खास उम्मत से चाय कहो भाई। अरे वाह बहुत सुंदर, श्री जल चबूतरे पर हमेशा इच्छा है बच्चे करने में। सुंदर साथ जी 9 महीने पूरे हो चुके हैं इस बैच को चलते चलते, 2021 जिसका नाम दिया गया था, 9 महीने हो चुके, उसमें से
कम से कम 2 महीने हमने श्री छह बच्चों में ही रमण किया है, कम से कम 2 महीने सारे 6 छह बच्चे नीचे के हमने उनमें रमण किया है, इतनी गहराई से उनकी शोभा की है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इन 6 बच्चों से हट जाइए, अब सोचिए 4 चांदे कहाँ आए हैं, और हड़ोकली के जल में उसमें तो 3 नहीं बाहर तो 3 नहीं, अंदर अंदर जल, कोई भी जल चबूतरों से हट जाइए, जल को भूल जाइए, अब सोचिए 4 चांद। आपने बिल्कुल सही बताया, पर श्री खड़ोकली के चारों दिशा में भी आए हैं, नहीं तो खड़ोकली के अंदर जल में, जल चबूतरा, हाँ जी अंदर जल चबूतरा में भी आए हैं, बिल्कुल जो साइड में मंदिर, 4 चांदे, हाँ जी 4, हाँ नहीं जी, हाँ 3 मंदिर होते हैं ना, 3 मंदिरों के बाहर आते हैं चांदे। दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चन, इसका दूसरा चरण मैं अभी बताऊंगी, आपको पता लग जाएगा। और इसमें एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, जो अभी मैं कान ऐसे करके बताने लगी थी ना, वही हिंट है। नूर बाग में किधर, 4 चांदे सीढ़ियों में आए ना, हाँ सीढ़ियों में, नूर बाग की सीढ़ियों में 4 चांदे, नूर बाग की वो जो खिड़कियां उनमें 4 चांदे आए, 4 चांदे आए हैं। अच्छा, हम लोग चांदे के चांदे दो तरफ जाती है उसी में घूम रहे थे, दूसरे चांदे सोचे ही नहीं, ठीक है। 100 सीढ़ी 20 चांदे भी आएंगे, ढूंढ सकती। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, राजी की इतनी अपार मेहर है ना, कि अभी दूसरा इसका चरण मैं आपको बताती हूँ, वो तो आपको अगर बता देती तो आप सभी सुंदर साथ ने सोचना ही नहीं था, इसका दूसरा चरण था 4 चांदे 100 सीढ़ियां। तो इसको डिफिकल्ट बनाया गया था, क्योंकि ये टीम मुझे पता है इसमें से भी राज्जी की मेहर से बाहर आ सकती हैं, और उन्होंने ही जैसे हमने व्हील घुमाया था ना, तो राज्जी ने वो व्हील तब हमें आता नहीं था घुमाना, तब पर्ची उठाई गई थी। अति सुंदर। तीसरा प्रश्न, फुलवाड़ी कहाँ पर आई है? हाँ जी, आपको 2 शोभा बतानी है, ज्यादा बताएं सुंदर साथ के लिए तो बोनांजा। 10वीं चांदनी पे 3 जो 3 मंदिर की जो रोंस नैरो वाली आई है, एक में तो जल आया है, और साइड में जो दोनों एक एक मंदिर की है उसमें 3 भाग की 33 33 33, और बीच में फुलवारी आई है। हाँ जी, और 28 मंदिर की फुलवाड़ी रंग महल के अंदर भी, हर भूम में मतलब चांदनी तक 28 मंदिर की फुलवाड़ी, नौ चौक में भी आती है फुलवाड़ी, हाँ वही नौ चौक के पास, हाँ नौ चौक के पास भी फुलवाड़ी। लॉक करवाओ। हाँ जी, अच्छा जी, करो लॉक। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आपकी टीम के लिए, पहले आप लॉक कर लीजिए, फिर प्रियंका जी लॉक करो। हाँ जी, उठो रे मोमिन क्यामत आई, श्री क्यामत नामा, लॉक कर दीजिए दीदी। अरे वाह, बहुत सुंदर, इस कयामत में हमने लॉक हो जाना है, और जाना पहली बहिष्ट में है, ये बहुत जरूरी है, आज मेहनत करनी है, चितवन से युगल स्वरूप के दर्शन करने हैं, और हमारा जीव पहला बहिष्ट का अधिकारी होना है। तो सुंदर साथ जी, श्री आप यस और नो में जवाब दीजिएगा, ये इसी प्रश्न के कोई पार्ट्स नहीं थे, आपके लिए अभी अभी रखे गए हैं ये, क्योंकि मुझे पता है ये टीम अग्नि परीक्षा भी पार कर सकती है। हाँ जी, श्री ताड़वन में फुलवारी, यस और नो? नो नो। श्री वृत्तिकल की चौकी में फुलवारी, यस और नो? नो। श्री पश्चिम की चौगान में फुलवारी, नो 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 नो। तीसरी भूम में कहीं फुलवारी, नो चौक, जो बीच में नो चौक के पास 28 मंदिर फुलवारी। मुझे लगा था नो नो कहते कहते यहाँ भी नो ही होगा, पर यहाँ नहीं हुआ। अति सुंदर, अभी मुझे बताइए, श्री सात वन के जो बड़ो वन है, श्री सात वन में ही पूर्व में जो बड़ो वन है उनमें फुलवारी, सात वन के पूर्व में बड़ो वन, श्री सात वन जो पूर्व में आए हैं उनके जो बट के वन है, बड़ो वन बट के वन है उनमें फुलवारी,
बिल्कुल उनकी जमीन पर श्री कुंज निकुंज बहुत सुंदर साहब जी, ऐसा ऐसा कहीं मुझसे पूछ लिया जाए तो उसी टाइम ऐसे हो जाएगा कि ये आउट ऑफ उससे क्यों पूछा गया। वाओ अमेजिंग ऑसम, ऐसा ही एक एंड, ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा ही मिडल, ऐसा ही एक एंड होना चाहिए था इस सहयोगिता का जो ये सुंदर साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो सारे मिलके लॉक कीजिएगा, एक प्रश्न हर टीम में रखा गया था, 3000 हमारे इस क्वेश्चन को लॉक किया जाए। अरे वाह बहुत सुंदर, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे सुंदर साथ, ऐसे लग रहा है सही में कितने सुंदर साथ हैं हमारी टीम में। सुंदर साथ जी 1 2 3 4 5 अरे वाह 6 बच्चे कवर किया, 6 बच्चे यानी के चारों और फूलबाग के पर्सनल भी पूरे 6 बच्चे आपको कवर कर लिए। बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी लास्ट प्रश्न है सुंदर साथ जी, पहली और तीसरी भूम के विशेष गुर्जों में क्या अंतर आया है, पहली और तीसरी भूम के विशेष हांस के जो विशेष गुर्ज हैं उनमें क्या अंतर आया है। पहली भूम के तो शब्द एक पग ऊपर चढ़ना है और दूसरी भूम में कमर भर ऊंचा है। पहली भूम के गुर्ज से अगर हम मंदिरों में जाते हैं वो समान लेवल है, समान लेवल जाएंगे हम, समान लेवल है। तीसरी भूम में, तीसरी भूम में एक में जो गुर्ज का उत्तर का दरवाजा है उसे 3 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, 3 चढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ जी उत्तर वाले जी भी कुछ बोल रहे थे, वाले मंदिर में जाएंगे तो हमको 3 सीढ़ी चढ़कर मंदिर में जाएंगे और दक्षिण वाले मंदिर से सीधा बाहर आ जाएंगे प्रसाद में, क्योंकि वो भी 3 सीढ़ी ऊंचे है ना प्रसाद और तीसरी भूम के मंदिर सेम है लेवल। हाँ जी ठीक है जी। तरवीन भाभी जी कुछ बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आंटी मेरा यही था कि वो कमर भर ऊंचे हैं। हाँ जी चांद कमल जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल यही है जी, कमर भर अंजलि जी कमर भर ऊंचे हाँ जी हाँ जी, उसमें मतलब तीसरी तो सेम लेवल है उनका। तीसरे में एक तरफ मंदिर में तो सीधा जाते हैं, एक में 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं जिसे। हाँ जी मीना जी सही है सही, और उसमें दोनों में समान हो जाते हैं, पहली में दोनों में समान है और एक पक्ति होता है जो चबूतरे से जाते हैं। पहली में मंदिरों से मंदिरों में जाने के लिए एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा, एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा चबूतरे से, गुर्जे से सीधा चले जाएंगे। हाँ, और चबूतरे से गुर्ज में जब जाना होगा तो एक सीढ़ी उतरेंगे, एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा और दक्षिण की तरफ से एक सीढ़ी मतलब उलंग के जाएंगे चौखट, उलंग के जाना पड़ता है, समान लेवल है चौखट। क्लियर है बिल्कुल क्लियर। हाँ जी प्रियंका जी लॉक करेंगे। हाँ जी आप कीजिए, अब आप कीजिए। उठो मोमिनो क्यामत आई श्री क्यामत नामा लॉक कीजिए। हाँ जी अति सुंदर, अभी सारे मिलकर एक लय में ये बोलिए, बहुत सुंदर है ये। हाँ जी मिलकर सारे उठो उठो मोमिनो क्यामत आई श्री क्यामत नामा। अरे वाह राजी ने कितना चुन चुन के टीम्स को ये अपनी किताबें अपने अंग भी इन टीम्स में दिए, उनको पता था कि ये जो सुंदर साथ है ना ये इस अंग में से ये शब्द निकाल कर सुंदर साथ को सुख देने वाले हैं। बहुत सुंदर लास्ट प्रश्न बचा है और देखिए कितने क्लिक्स में हम इनको ढूंढ पाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके 100 में से कम नहीं तो 250 तो हो ही चुके हैं अब तक, 100 में से 250 अंक हो चुके हैं सुंदर साथ जी। अभी चलते हैं हम, हमारी सहयोगिता आ चुकी है, वो मैप खोलेंगी अभी आपके सामने, तो देखिए कितने क्लिक्स में आते हैं सुंदर साथ।
हाँ जी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ी सी। यदि आप पंखा बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल 5 मिनट लगेंगे। तरवीन भाभी आपके यहाँ से आ रही, थोड़ा सा दूर रख सकते हैं या फिर पंखा बंद कर सकते हैं। हाँ जी आइए देखते हैं पहली क्लिक सुंदर साथ जी मैं करने जा रही हूँ। हाँ जी जी, तो पहली क्लिक होने जा रही है। अरे वाह सुंदर साथ जी, देखिएगा ये क्या है, बहुत ध्यान से देखकर बताइएगा। अरवंतनी नहीं, ये अपने रंग महल की दीवार दिख रही है हमको। हाँ, रंग महल का है ये, और पर्पल कलर में क्या है, अनार पर तो नहीं लग रहा, जूम कर रहा है, रेड कलर में ये कठेड़ा दिख रहा है, आगे लाल रंग की रोज कठेड़ा, और जांबू का तो नहीं है पर्पल कलर से। नहीं, ये अपने रंग महल का अंदर के भूमों का है कोई, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकेंड। आप प्रियंका जी, पंचमोल तो नहीं, अंदर की जो मंदिर के अंदर की शोभा लग रही है मेरे को। ये मैं बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है, ये लाल चबूतरा की तो नहीं है, रंग महल के साइड के हैं। लाल चबूतरे की शोभा लग रही है, ये रंग बिरंगी कालीन दिख रही है, रंग बिरंगी कालीन दिख रही है, और ये रंग महल का उत्तर दिशा लग रहा है मुझे तो। हाँ जी वही लग रहा है, लाल चबूतरा और लाल चबूतरा रंगी कालीन, और रंग महल के उत्तर दिशा के वो रंग महल के मंदिर। प्रभा आंटी क्या कह रहे, अंजलि दीदी एक क्लिक और ले। हाँ एक क्लिक को, मेरे को मतलब कंफर्म नहीं है। मेरे को तो एज में, मैं तो एज में बहुत ना लायक हूँ। अरे नहीं दीदी एक क्लिक और दीजिएगा, एक क्लिक करा दो ना आगे। ये वही लग रहा है, लाल चबूतरा ही लग रहा है, लाल चबूतरा ही लग रहा है। हाँ जी ये लाल चबूतरा है, पीछे वो मंदिर दिख रहे हैं जिसमें हमारे पास झरोके नहीं है, तीन दरवाजे हैं, तीन दरवाजे झरोके। क्या करें, लॉक कर दे। हाँ मेरे हिसाब से तो लाल चबूतरा ही दिख रहा है। तरवीन जी। हाँ जी हाँ जी, लग तो नहीं रहा है, लाल चबूतरा के अलग अलग गलीचे। अंजलि दीदी आपको क्लियर हो गया ये, मतलब मेरे को ऐसे नहीं पता चला मुझे कोई। हाँ ऐसे श्योरिटी से मैं नहीं कह सकती, आप बताओ। हाँ, वही है लाल चबूतरा ही है, तीन तीन दरवाजे दिख रहे हैं पीछे। हाँ बिल्कुल ये लाल चबूतरा ही है। हाँ जी हाँ जी, लॉक कर दो प्रियंका। उठो रे मोमिन क्यामत आई, श्री क्यामत नामा। दीदी लॉक कर दीजिए। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। सुंदर साथ जी इतनी मुश्किल से ये नक्शा मैंने ढूंढा कि प्रियंका जी द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए जरा, फिर भी इन सुंदर साथ जी ने मिलके उनको ढूंढ डाला, और पहली बार में ही तकरीबन इनको पता लग गया था कि कालीन अलग अलग रंग की दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्या बात है सुंदर साथी, ये राज्जी की मेहर नहीं तो और क्या है, इनके दर्शन कीजिए। अरे वाह बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही आपने बोला था, अलग अलग कालीन कठेड़े भी आपको दिख रहे थे, ये देखिए ये पेड़ ऊपर जाते हुए और पीछे के तीन दरवाजे, अति सुंदर पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए। अरे वाह, आपकी टीम को सुपर सुपर बधाई,
सारे सुंदर साथ ने इतनी प्यारी सहयोगिता निभाई, क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि इससे और डिफिकल्ट कैसे कर सकती थी। ये एक पहली टीम रही सुंदर साथ जी जिनके साथ मैंने कोई सहयोगिता नहीं निभाई अंदर से, क्योंकि मुझे पता था कि ये टीम आपस में इतना स्ट्रांग बॉन्ड लेकर आई है और इतनी स्ट्रांग राज्जी की तरफ से आई है कि इनको मेरी तरफ से किसी इस प्रकार की सहयोगिता की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मुझे गाइड करने वाले सुंदर साथ हैं। इन सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और हार्दिक बधाइयां। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, अगली बार टीम्स भी सामने पर्चियां डाल के नहीं, व्हील से चुनी जाएंगी अगली बार, ताकि राज्जी जो भी चुन रहे हैं सारे सुंदर साथ उनको देखें और उनका आनंद भी लें कि मेरी टीम में राज्जी ने इस बार किनको चुना है। तो आप सब मिलकर प्यारा सा जयकारा लगाइए और फिर हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई के साथ, और सहयोगिता का इतना प्यारा अंत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर राज्जी उनका करेंगे। जिस प्रकार 22 सीढ़ियों को उन्होंने कितनी खूबसूरती से फिनिशिंग टच दिया है ना, उसी प्रकार आपकी टीम, दोनों टीमों ने आकर फिनिशिंग टच जो आज सहयोगिता को दिया है ना, वो बहुत सुंदर है। प्रणाम जी। हाँ जी, जयकारा लगे। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो आनंद कराने वाले की जय। राज्जी की तो हमेशा ही जय। और आप भी अपनी स्पीच रेडी रखिएगा, बस आज तो लास्ट दिन है सुंदर साथ जी, खूब आनंद कीजिएगा इन सुंदर साथ के भावों को। प्रणाम। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, चांद कमल आंटी। हाँ जी, मुझे देखिए गाना तो नहीं आता है, लेकिन ये भजन मुझे इतना, ये चौपाई भी मुझे बहुत पसंद है, और इसकी मैं दो लाइन सिर्फ थोड़ी सी गा के बोलूंगी। मुझे नहीं आता गाना, इस पर भाव पे जाइएगा। उठो मोमिनो, कयामत आई, खास उम्मत से जाए कहो भाई, खास उम्मत से कहियो जी, खास उम्मत से। उठो मोमिनो, कयामत आई, खास उम्मत से जाए कहो भाई। चलिए, कयामत आ गई है, अब हम अपने घर चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को बधाई दे दी आपने आज, उठो मोमिनो, कयामत आई। अति सुंदर, मुझे ऐसे लगा पहली बार आज आपकी आवाज में मुल्क राज गिरधर अंकल की खनक सुनाई दी चांद कमल आंटी, ऐसे लगा उनका आशीर्वाद वो कहीं से। बिल्कुल, आज आपने वो आवाज में वो खनक सुनाई दी जैसे गिरधर अंकल हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। सुंदर साथ जी, चैट ओपन हो गई है, आप सारे सुंदर साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर जरूर उड़ेलते रहिए। अरे वाह, वीना आंटी आ रहे हैं आज हमारे। वीना प्रणामी जी, श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 92-92 और चौपाई 1 और 3 श्री कांगरी टीम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीना आंटी, हाँ जी, प्रणाम जी। मेरा पहला प्रयास है, देखो राजी कैसे बुलवाते हैं। अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सब होशियार,
एक खिन की विलम्ब न कीजिए, जाए घरों करे करार। श्री महामती कहते हैं कि हे सुंदर साजी, अब मैं परम धाम की चितवन में लग रहा हूँ, आप सभी सचेत हो जाइए। अब तो चितवन ध्यान करने में एक क्षण की भी देरी करना उचित नहीं है, आप भी मेरे साथ ध्यान में लग जाइए, जिससे परम धाम की अनुभूति करके सबके हृदय में आनंद की वर्षा हो सके। धनिये दिखाया नजरों, सुरता दया फेराए, आप अब बैठे हम रास में, उच्च रंग हृदय चढ़ आए। धनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से हमारी सुरता को काल माया से परे योग माया के अखंड ब्रज में भेजा, जिसे हमने अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा। इसके पश्चात हम रास के ब्रह्मांड में गए, जहाँ की अखंड प्रेमयी लीला को देखकर हमारे हृदय में आनंद भर गया। इस चौपाई में ध्यान में डूबने पर होने वाली उन अनुभूतियों का वर्णन है कि किस प्रकार हमारी सुरता आत्मिक दृष्टि काल माया के ब्रह्मांड से परे अखंड ब्रज और रास में पहुंचती है। परम धाम में परातम की लीला है, किंतु परम धाम से बाहर हद और बेहद में आत्मा की ही लीला संभव है। आत्मा को परातम का प्रतिबिंब कहते हैं। सिफत ऐसी कही मोमिन की, जाके अक्स का दिल अरश का कथन यही सिद्ध करता है। ध्यान में आत्मिक दृष्टि द्वारा ही परम धाम जुगल स्वरूप तथा अपने मूल तन को देखा जाता है। आत्मा सुरता वासना सभी एकार्थवाची हैं। ये गहन रहस्य का विषय है कि परम धाम में विराजमान पर आत्म की नजर ही आत्मा या सुरता के रूप में कही जाएगी। यामे सूरत आई श्यामा जी की सार प्रकट वाणी का कथन यही सिद्ध करता है। ध्यान में आत्मा की दृष्टि ही परम धाम में पहुंचती है। सुंदर साजी, मूल मिलावे में राजी ने पर आत्म को अपने चरणों में ले लिया है, अपने चरणों में बिठाया हुआ है, उनकी नूरी नजर को अपने हृदय में डालकर और प्रतिबिंब नजर को उन्होंने संसार में जीवों के ऊपर डाल दिया है। प्रतिबिंब नजर ही आत्मा उनको संसार के जीवों पर डाला। अब इसी नजर को हमें दोबारा से मूल मिलावे में ले जाना है और राजी की स्वरूप को निहारना है। ये चितवनी के द्वारा ही होएगा। जब हम चितवन में राजी के रूप और श्रृंगार स्वरूप और श्रृंगार में डूबते हैं तो हमारे अंदर इश्क पैदा हो जाता है, और जब इश्क आता है तो विरह भी आता है, और जब विरह आएगा तो हमारे सारे विकार दूर हो जाएंगे। जब विकार दूर हो जाएंगे तो हमारा दिल निर्मल हो जाएगा और हम राजी के स्वरूप में डूब जाएंगे। प्रणाम जी। सुंदर साजी, प्रणाम। प्रणाम जी। वीना आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना सुंदर श्री मुखवाणी मंथन करके इतना सुंदर इनके बारे में वाचन करोगे, इतना सुंदर उनको बोलोगे। हमेशा सुंदर साथ जी कहते हैं, मैं पहली बार बोल रही हूँ और सुनकर ऐसा लगता ही नहीं है वीना आंटी कि आपने पहली बार बोला हो। आप मंदिर में भी जरूर जरूर बोलते रहा करो, आश्रम में भी बहुत अच्छा श्री मुखवाणी मंथन किया है आपने। कितने सुंदर साथ को इसमें कितना आनंद आया होगा, पता नहीं कौन सी रूह को कौन सा शब्द आपका छू गया हो। इसको रोकिएगा मत, जरूर करते रहिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी हमारी बिटिया भी आ रही हैं,
वो इंग्लिश में बोलेंगे और फिर किरण आंटी से हम दोनों किताबें जो आज ली गई थी उनके बारे में सुनेंगे और फिर हम चलेंगे अपने सुंदर साथ जी की तरफ। हां जी प्रणाम जी, बेटा प्रणाम जी। आज हमारे पास प्रियांशी हैं, वो इंग्लिश में बोलेंगे। बहुत सारे सुंदर साथ ने अपने नाम लिखवाए हैं आगे बढ़कर कि हम भी बोलना चाहते हैं, तो वेलकम सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ मिलकर अपने बच्चों को, युवाओं को, सबको इस तरफ लगाइए, आगे बढ़ाइए। क्या पता कौन सा शब्द उनके दिलों को छू जाए और वो श्री राज जी महाराज के उन सुखों का अनुभव करने लगे। हां जी बेटा। हां जी अनम्यूट कीजिए बेटा। हां जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम धाम चलत हैं, तुम पूजो सब खुशियार, ऐखिन की विलंब ना कीजिए, जाए घरों करे करार। मीनिंग श्री महामती जी सेज, ओ सुंदर साथ जी, I am now involving myself in the Chitvani, meditational concentration of Paramdham. All of you please become alert. It is now appropriate to waste. It is not appropriate to waste even a moment in doing Chitvani. All of you please join me in doing Chitvani so that your hearts may receive the shower of bliss by the emotional experience of Paramdham. This Chapai is from Shri Kirantan, Prakaran 92, Chapai 1. Shri Mahamati ji says, O mere Sundar Sath ji, I am now connecting my soul in the concentration, Chitvani, of Almighty Paramdham. You all may be quite bright and intelligent, but all of you please take care and don't waste a single moment of your life in avoiding meditation, because this is the only path to the blissful, colorful and soul-satisfying Paramdham. I request you all, blessed souls, to please join me to the holy path of Chitvani and get yourself showered with the blessings and emotional and pleasing experience of Paramdham. Dhaniye dikhaya nazro, surta diye firaye, ab baithe hum raas mein, uchrang hriday chad aaye. Meaning, Lord send our conscience to the eternal bridge of yog maya, beyond kal maya, by his gracious vision, which we saw through our atmic vision. Subsequently, we went into the Brahmand of Vras and our hearts, filled with blissful joy, experienced the eternal love filled sport. In quote, this verse narrates the experiences that accrue on consummation by intense meditational concentration of how our conscience, atmic vision, ascends to braj and ras of the eternal yog maya, yon. Than this kal maya, the sports of atmas only are possible. Atma is the reflective image of Paratma. This finds clear indication in the following verse. Sifat aisi kahi momin ki, jaake aks ka dil arz. Atmic sight alone enables visualization of Paramdham, dual form and its original bodies during Chitvani. Atma, Surta and Vasna all mean the same.
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट मिस्टेक सीक्रेट दैट आत्मा और सुरता इज नथिंग बट द फोकस्ड विजन ऑफ द पर आत्मा ऑफ परम धाम. द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ प्रगत वाणी establishes the same. Yame surat e shyama ji ke sar. It is the inner vision of atma that reaches param dham during dhyan, meditational concentration or chitvani. This chapai is from Sri Kirantan, Prakaran 92, chapai 3. By intense meditation or chitvani, our Atma or Sutta by the gracious vision of Almighty Lord travels to the eternal bridge of Yoga Maya, leaving behind the world of Kal Maya. Atma is nothing but a reflective image of Paratma. Meditation enables Atmic visualization of the one and only colorful and soul-satisfying Paramdham. And finally, because of intense meditation, our atom slowly moves into the Brahmand of Ras, and then our atom dances with the blissful joy, happiness, and love. Pranamji. Pranamji, itni meethi awaaz mein, English mein, Shri Mukhwani ka itna pyara arth, aur aapne swayam uske dil ke bhaav bhi unme jodkar jo bataya, ati sundar. आंशी आंशी बहुत सुंदर, चित्रांशी प्रियांशी दोनों बेटियां अति सुंदरता से इन इन कारवा को आगे बढ़ा रही हैं और उसमें कितने सुंदर साथ और जुड़ते जा रहे हैं. वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बोलते रहो. आप बहुत प्यारा बोलते हो, बहुत मीठा बोलते हो. राज्जी की राह में ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहो. प्रणाम जी, प्रणाम जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. प्रणाम जी. हाँ जी, अब चलते हैं. हमारी प्यारी किरण आंटी है ना, इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद आशीर्वचन कहीं, शुभकामनाएं कहीं, और किताबों का तो इतना सुंदर अर्थ करके बताते हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई नई शोभा का बयान कर रहे हो. प्रणाम जी किरण आंटी, प्रणाम जी. आज हिंडोलों ने जो चहबच्चों पे ताली डाली है ना, तो आनंद ही आ गया सुंदर साथ जी को. हाँ जी प्रणाम जी, बहुत बहुत ही बढ़िया आज प्रदर्शन अपने बहुत सुंदर साथ का. और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर पहले ही कहूंगी कि जो लास्ट टीम चहबच्चे था ना, हाँ लास्ट टीम था ना, उनसे सबसे टफ क्वेश्चन पूछे. टफ क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि उनसे आसान क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बहुत ही प्यारा उत्तर दिए सबने. हमारे वैसे भी मार्गदर्शक, हमारी सुप्रभा, क्या बताऊं उनको, उनकी तो कुछ बात ही सच. मुझे इस टीम में लाने वाली मुझे सुप्रभा जी. मैं पहले अपना थोड़ा सा भाव बता रही हूँ कि मैं बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी, तो इन्होंने मीनू ने क्लास शुरू की, तो सुप्रभा बहन जी का मुझे फोन आया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा. तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है आपका, कहने लगे कि वो मीनू कुछ समझा रही है, वो उसने शुरू किया प्रोग्राम. तो मैंने कहा ठीक है मैं भी देखूंगी आकर के. मैं आई और उसके बाद से मैं फंसती चली गई. तो हमारी सुप्रभा बहन जी जिन्होंने मुझे यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद तो मैं राज्जी की मेर से. लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आज. किताबें हमारी दो थी, मार्फत सागर और क्या मतलब छोटा बड़ा क्या मतलब. मार्फत सागर जो है, मार्फत का अर्थ क्या है? चार प्रकार की बंदगी होती है, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान. विज्ञान यानी कि मार्फत. जब तक मार्फत में नहीं डूबा जाता, मार्फत के बिना ये भेद जो है नहीं खुल सकते. किसी भी धर्म ग्रंथ के और खास करके कुरान, कुरान के भेद तो खुल ही नहीं सकते. मार्फत में डूब करके ही कोई इनके अंदर जो गोहे रहस्य है उनको खोल सकता है. जैसे कि मेन है आज भी क्यामत के निशान. इसमें किताब पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं क्यामत के निशान. तो क्यामत में क्या है, छोटा थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है. अजूज मजूज का प्रकट होना. देखिए आज अजूज और मजूज अभी आया कोरोना के रूप में, बहुतों को ले चला.
और अजूज और माजूज क्या है, दिन और रात जो हमारी उम्र को खाते चले जाते। सूरज का मगरब से उगना, पश्चिम से उगना, मुसलमान बेचारे लोग क्या करें, मार्फत तो आती नहीं, हकीकत में भी नहीं डूबे, अभी तो शरीयत में ही डूबे हुए, तो कहां से उन्हें पता चले कि मगरब में सूरज तो उग चुका। पहले अरब में आया मोहम्मद साहब के रूप में और हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के रूप में आए और उन्होंने गोहे रहस्य खोल खोल करके बता दिए, अजूज और मजूज, और दूसरा है मगरब में सूर्य का उगना। वो जाहिरी सूर्य देख रहे हैं कि कब उगेगा, तो क्यामत आएगी, अभी क्यामत के बारे में भी बात करेंगे। काने दजाल का गधे के ऊपर सवार होना, काना दजाल क्या है, ये निराकार का मंडल, और अबलीस अजाजील का मन जो अबलीस है सबके अंदर बैठा हो, सबके अंदर बैठा हो, लेकिन किसी को पहचान ही नहीं होती। वो देखते हैं कभी नमाज पढ़ेंगे दाएं पर देखेंगे, बाएं बैठेंगे देखेंगे, अरे दजाल तो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो मन जो है भटकाता रहता है। वेदे मन क्या, नारद को जाको श्रापियो प्रजापत, रा ब्रह्म की भान की सबको ये बतावत कि निराकार की पूजा करो, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया उसे निराकार ही मानती है। आज को हम कुरान वाले खुद पढ़ते हैं अल्लाह ताला की, कल में मैं वीडियो पढ़ रही थी कि परमात्मा तो निराकार है, बातें हुई मैं राजनामा हुआ सब कुछ बात करेंगे, लेकिन परमात्मा को क्या मानेंगे, आज भी निराकार ही। इस तरह से अशरफ, हाँ दाबतुल जानवर का प्रकट, दाबतुल जानवर जो है वो भी प्रकट हो चुका है। आंखें कैसी उसकी, सुअर की, सबकी देखिए आंखें कैसी, अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। कान कैसे हैं, हाथी के, वो भी सबके अंदर है देखा जाए तो। गर्दन कैसी है, मुर्गे जैसे झुकना नहीं जानती है ना, और पीठ कैसी है, गीदड़ जैसी, अच्छे कामों में नहीं लगेंगे, दुनिया में सारा पैसा लगा देंगे सेवा देने के नाम से किसी के पास नहीं। और छाती कैसी होगी, शेर जैसी, करुणा नाम की किसी के अंदर चीज नहीं, कोई किसी के अंदर प्रेम नाम की चीज नहीं। और क्या है, पहाड़ी बैल के सींग, सींग जो उनके पहाड़ी बैल के है, सबसे लड़ना जब भी चाहे लड़ाई के लिए हर पल तैयार रहते। तो इस तरह से वो लोग दाबतुल जानवर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई जानवर आएगा तब क्यामत आएगी। और है जबराइल और असराफील का प्रकट होना, असराफील और जबराइल भेज दिए अमर निगेवानी की थी मेरे खासल बंदे पर, वो तो आ चुके हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं। और क्या है, ईसा रू अल्लाह का आना, ईसा रू अल्लाह श्यामा जी तो 1638 में ही आ गए अपनी आत्माओं के साथ, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी वो आएंगी। इमाम मेहंदी का आना, इमाम मेहंदी भी आकर के जाहिर हो चुके हैं, सब निशान बता दिए। इस तरह से इमाम मेहंदी जब आए, क्योंकि 11वीं सदी में आना लिखा हुआ था, वो मोहम्मद साहब ने कहा जाता कि बालों की 11 गांठें लगा दी थी, और वो एक यहूदी लड़की ने और कुएं में कूद गए, और जब अली के द्वारा उसको निकाला गया तो फिर पता चला कि क्यामत कब आएगी, जबकि 11वीं सदी होगी, जैसे कि कल भी छपाई बोली जा रही थी, 10वीं ईसा 11वीं माह 12वीं सदी फजर तमाम, ये लिखा 20 सिपारे आम 30वां सिपारा चाकुना। अब है हमारी क्यामत, क्यामत आई, लोग क्या डर रहे, अरे क्यामत आ जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्यामत का अर्थ कोई भी आज दिन तक जानता नहीं। दो प्रकार की क्यामत कही, सुबरा और कुबरा, छोटी और बड़ी क्यामत। और मेन क्या है, क्यामत का अर्थ होता है इमाम मेहंदी का इस संसार में प्रकट हो जाना और आकर के सारे रहस्यों को खोल देना। क्यामत का मतलब है तारतम वाणी का अवतरण हो जाना, तारतम वाणी का अवतरण हो जाना ही सारे संसार को कायमी देने वाला ज्ञान का आ जाना, अपनी आत्माओं के लिए तो सुख देने वाली है। तो ये है क्यामत, लोग जाहिरी क्यामत को देख रहे हैं, वास्तव में ये बातनी क्यामत है जो कि संसार को अखंड मुक्ति देने वाली वाणी है, इसका जाहिर हो जाना ही क्यामत का जाहिर हो जाना, और सारे भेद खुल जाना, 10 प्रकार की दोजक क्या है, कैसे सबको कायमी मिलेगी,
संसार के अच्छी तरह की पैदाइश क्या है, सबके भेद खुल जाना ही क्यामत का जाहिर होना है। दूसरी कोई क्यामत नहीं है कि संसार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं जैसे कि मुसलमान लोग डरते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा ही अर्थ बताऊंगी, समय कम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी। किरण आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो बात बताई ना कि मुझे प्रभा जी का फोन आया था, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आपने इतनी सुंदर किताबों का भी अर्थ बताया। मुझे भी मम्मी के फोन आया करते थे और वो हमेशा हर फोन पे ये बोलती थी कि मीनू दीदी बहुत अच्छा सिखा रही हैं, तुम क्यों नहीं जाती हो। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी चर्चनी मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी। जैसे 400 साल आज तक तन मैंने ऐसे किया है ना, इस तन में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो चर्चनी मेरे बस की बात नहीं, वो नहीं मैं करूंगी। आप और कुछ भी बताओ तो वहां मैं जरूर जाऊंगी। तो हर बार वो मुझे बताया करते थे और बोलते थे गूगल मीट पे होता है, सारी डिटेल्स तुम्हें भेज दी है, तुम जरूर जाना, वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो कभी इतना ये ढीठ और कठिन ये जीव रहा, इसने नहीं गई। मैंने कहा कि नहीं चर्चनी तो नहीं, और कुछ भी हो तो जाऊंगी। पर राजी ने वो जो फंद डालना है ना, जैसे छत्रसाल जी बोलते हैं अब तुम फंदे में आ गए हो, अब जा नहीं पाओगे, पर उन्होंने वो प्लान कर रखा था कि इधर से नहीं आई कोई बात नहीं। मीनू दीदी स्वयं उनका कॉल आया एक दिन, सुंदर साथ जी बढ़ते जा रहे हैं। मीनू दीदी से बात किए शायद मुझे बहुत साल हो चुके थे, हम अमृतसर में मैं उनको मिली थी। उसके बाद उनका कॉल आया कि काफी सारे सुंदर साथ हो गए हैं, तो क्या आपके इधर से एक सेवा हो सकती है। तो मैं सोच रही थी कि राजी ऐसा लगता है कि ये प्लान का अगला पार्ट लग रहा है मुझे, राजी के प्लान का, कि पहले तुम उनके पास नहीं गई, अब मीनू दीदी आए हैं। तो मैंने उनको बोला, बोले सुंदर साथ बढ़ गए हैं, जूम की एक सेवा चाहिए, तो क्या आप वो करोगे। तो सबसे पहली बात मैंने कहा वो तो म्यूट अनम्यूट जूम लेने की, यूट्यूब डालने की, मीनू दीदी को बताया कि मीनू दीदी यूट्यूब में डालेंगे। दीदी ने बोला नहीं नहीं यूट्यूब में वीडियो नहीं डालना अभी, है ना, अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे। आशीष ने धीरे धीरे से उनको वो कन्विंस करना शुरू किया, दीदी खाली आपको ही भेजेंगे और किसी को नहीं भेजेंगे, पहले आप चेक करना कैसा आया है, उसके बाद सुंदर साथ को देंगे। तो दीदी ने फिर खुद ही बोला, उनको भेजा, बोले नहीं नहीं सुंदर साथ जी को डाल दो। और कैसे यूट्यूब का वो सिलसिला शुरू हुआ। और मैंने मीनू दीदी को एक ही बात बोली पहले दिन की ना, सारी सेवा पीछे म्यूट अनम्यूट, आप ना मेरे से कभी क्वेश्चन मत पूछना, बस मेरी एक ही वो है, मेरी एक डिमांड है आपसे कि आप ना कार्यक्रम के बीच में कभी ये ना कहना कि सोनू तुम बताओ, क्योंकि चर्चनी से मैं कोसों दूर हूं तो मुझे नहीं आएगी। पर कैसे मीनू दीदी खींचते चले गए उसमें अपने प्यार से, अपने प्रेम से, कि नहीं तुम बताओ, तुम बोल सकती हो। हालांकि शायद तब म्यूट अनम्यूट में इतना ज्यादा, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना सेवा भी एक साधना होती है, तो वो म्यूट अनम्यूट को ही मैंने अपनी साधना मान लिया था। मैं उसी में खोई रहती थी, क्योंकि सुंदर साथ कुछ बोलते थे मेरा लिंक टूट जाता था, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। पर ये बीज जो अंकुरित किया राजी ने, ये प्रॉपर फुल इसका वो जो जाता है ना, वो मीनू दीदी के थ्रू आया और वो उनको पल्लवित करती रही। और ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनके मुख से आप यही शब्द सुनोगे कि उन्होंने बोल बोल के कि नहीं आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। कितने सुंदर साथ को वो आगे लेके आई, क्योंकि आज लास्ट दिन है, डिले होने वाला है, थोड़ा लेट होने ही वाला है। वी ऑल आर रेडी, भंडारे वाले दिन होता ही है सुंदर साथ जी, हमारा रोज ही भंडारा है। तो क्यों ना मीनू दीदी से भी हम दो शब्द जरूर सुने, उनके भी शुभकामनाएं कहें, आशीर्वचन कहें, उनसे भी वो दो शब्दों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी, सबने अपने अनुभव बताए, तो मैं भी एक सोनू के लिए एक अनुभव बताऊंगी अपने। जब हमारे सब बैचेस पूरे हो गए राजी महाराज की मेहर से, सारे 25 पक्ष दो तीन बार जब हो गए, तो राजी महाराज ने
मैं सोनू को एक महीने से पहले कह रही थी कि सोनू अब अगला बैच तुमने करना है, तू कहती नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। तो उसके पीछे राज क्या था कि राजजी महाराज ने मुझे, अब मैं सबके सामने खोल रही हूँ, सोनू को तो मैंने बता ही दिया था, तो राजजी ने वही मुझे सपने में, चाहे कह लो उसको जैसा भी, कि सपने में राजजी ने, शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ज्यादा नहीं बता सकती, तो राजी ने बताया कि अब अगली सेवा राजी ने उनसे लेनी है। तो राजी ने पहले से आके बताया, वो हमारी मर्जी से नहीं हुआ, जो भी सेवा हुई है राजी की मर्जी से हुई है और आगे भी चलती रहेगी, ये सब राजी ही सेवा लेते हैं, तो ये सब उनके हुक्म से राजी ने पहले ही मेरे को अंदर से दिखाया कि नहीं सोनू सेव कराए। तब से मैं इसके पीछे पड़ गई थी, सोनू तुमने करनी है अब अगली सेवा, तुमने करनी है अगली बात, तुमने करनी है। तब ये घबराती रही थी, लेकिन राजी की मेहर हुई और आज तक देख लो सुंदर साथ जी कहाँ से कहाँ ये कारवा सोनू के द्वारा, और उसमें आशीष भी हमें कितना सहायता करी आशीष ने, ऐसे कोई नाम से मत जाओ, आशीष भी कहते हैं ना कि मेरा नाम मत लो, नाम में तो कुछ रखा नहीं है, यहाँ मैं हर सुंदर साथ जितने भी सुंदर साथ के नाम लूंगी, हर सुंदर साथ ने सेवा करी है पीछे से बढ़कर। मैं कल सोच रही थी कि सब सुंदर साथ के नाम लिखूं, जो कह रहे हैं ना बिग दिन में एक एक सुंदर साथ, जिसमें ये पूरे हमारे कितने सुंदर साथ हो जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ सेवा करी है, और बिना एक दिली के वो ग्रुप जो रखा था कि बिना सुंदर साथ के मिलावे के बिना ये नहीं हो सकता, और किरण दीदी ने तो मेरा पल पल साथ दिया, इतनी हिम्मत दी, सब कुछ कराने वाले तो वो कि आगे बढ़ाते रहे, हमको हिम्मत देते रहे, और मेरे राजी तो सिर पर खड़े हैं और हर सुंदर साथ के लिए वो सिर पर खड़े हैं, और आज जो मार्फत सागर और क्या मतनामा, तो राजी महाराज सब सुंदर साथ के दिल में राजी की मार्फत, दिल में राजी का, हम राजी की मार्फत क्या है, राजी के दिल में घुस जाएं। सरकार कहते थे कि बस मार्फत क्या है, हम राजी के दिल में घुस जाएं, और तभी हमारी क्यामत होगी, हमारी क्यामत मीन्स हमें राजी के दीदार होंगे, तो सब सुंदर साथ उस क्यामत में डूब रहे हैं धीरे धीरे, सब राजी के दीदार के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और सब में उसका साथ है, किसी की कोई कमी नहीं, सब सुंदर साथ मेरे सब साथ चले, तब ये प्रोग्राम चल रहा है, नहीं तो नहीं चल सकता। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर एक मैसेज आया हुआ है सुंदर साथ जी, मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। हमारी जो क्विज मास्टर रही हैं अनु जी, उन्होंने लिखा है हिंडोलों में झूल कर श्री चहबच्चों में झीलना कर, आज सहयोगिता का आनंदमयी समापन ऐसा हुआ जो फेर फेर होगा, नित्य नौतन रूप में श्री राजी के इश्क के सराबोर करने वाला होगा, इश्क में सराबोर करने वाला होगा, समापन तो श्री धाम पहुंच कर ही होगा, आगे भी खेल ही खेल में परम धाम पहुंच जाएं तो कितना अच्छा हो। और चांद कमल आंटी आपके लिए लिखा है हमारी ज्योति संजेल जी ने, चांद कमल आंटी का जागो सखियो क्यामत है आई सुनकर गूज बम्स आए मुझे, और सहयोगिता बहुत अच्छे से पूरी हुई, सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। हमारी वैशाली जी मैप्स बहुत सुंदर बनाने वाली, उन्होंने भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे सुंदर ने सुंदर साथ जी ने बधाइयां दी हैं, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस रही सुंदर साथ जी। शुरू में एक दिन में सहयोगिता करने का प्लान था, जब आपसे 3 महीने पहले इनको सोचा गया था, इनका एक प्लानिंग की गई थी, सोचिए एक दिन में बैठते तो कम से कम 14 से 15 घंटे हम बैठते तो ये हमारी सहयोगिता पूर्ण हो पाती, तो कैसे राजी पग पग आगे लेते गए। किरण दीदी आई थिंक अभी हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम किरण दीदी के भी बहुमूल्य अनमोल आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी प्राप्त करते, परंतु बिग डे वाले दिन, गोष्ठी वाले दिन हम इन सब सुंदर साथ जी से पूरा प्रेम बटोरेंगे। अभी चलते हैं वन बाय वन, सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे श्रीनिवास अंकल दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद हमारी प्रियंका जी रेडी रहेंगे। प्रियंका आपके बिना ये बैच असंभव था,
सीमा दीदी, प्रियंका जी और सुप्रभा जी की सपोर्ट जो रही है, मैं उसका बखान नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूंगी शब्दों में पिरोने की, पर मुझे लगता नहीं यहाँ ऐसे कोई शब्द बनते हैं। हाँ जी श्रीनिवास सर। प्रणाम जी, प्रणाम। नहीं, सबसे पहले तो मैं मीनू दीदी का करूंगा। 2021 में जो है, 2020 में ही कम से कम 2-3 बार रमा जी का टेलीफोन आया कि जो है चाचा जी आप वहाँ जरूर बैठो, वो चल रही है 25 पक्ष की से, और आप जो है चर्चनी के जो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हो। लेकिन मुझे वो कह तो देती थी, मैं उनसे टाइम पूछता था कि वो टाइम मेरे को सूट नहीं करता था, मैं अवॉइड कर देता। मार्च में उन्होंने कहा कि आप सुबह को 6 से 7 आएगी, 6 से 7 आएगी, तो मगर मैं फिर आज मैं कोशिश करूँगी। मैं जो 6 से 7 में आया तो मैं तो कोई खाली ना गया, इन खिलवते लिया का जो हक्का भेद, सो कहूँ ना जाए से सके पड़िया इस सके के, तो मेरे तो दोनों हाथ ही कब्जे में आ गए। और बस उस दिन का दिन है जो हम लोग 7 से 7:30 बजे उठते थे सुबह को, और फिर आओ जी वाला बोलते थे। अब हम 4 बजे उठते हैं लगभग मार्च के 2021 से, और अपनी सेवा पूजा और अपनी चितवनी और ये आपका 6 से 7:30 तक का प्रोग्राम ये नित्य प्रति देखते हैं। और रियली बता रहे हैं कि मेरी ये अपनी मेरे मन की अपनी है कि शायद जब से ये पृथ्वी बनी है रंग माहौल का इतना बड़ा ज्ञान और 25 पक्षों का ये ज्ञान कहीं भी किसी स्टेज से किसी को नहीं दिया गया। और हम आज अपने हृदय से जो है ना, हम पूरे अपने रंग माहौल और अपने घर के चारों तरफ रमन करते हैं। 6 से 7:30 बजे इतना सुंदर वो चलता है, अब ऐसे लगने लगा है कि कोई कुछ तो पूछे तुरंत ही तुरंत ही जवाब अपने आप ही आ जाता। और सभी का ही 14 की 14 टीमों का, मतलब ये कैसी अवस्था आई, शायद लगता है कि फरिश्ते भी ना सोचते होंगे जो अनहोनी अब ये पृथ्वी पर की है। खेरी करने कराने वाले तो राजी महाराज ही, और इस स्टेज तक लेकर के आए हैं। मैं अब उन सभी, अब मीनू दीदी जयपुर, बालाजी हमारे बड़ोदरा, और वो किरण बालाजी, किरण दीदी और मीनू जी, और आपका जो है मैं तहे दिल से हृदय से बार बार आभार प्रकट करता हूँ। और सभी 14 टीम के सदस्यों को बहुत 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 बधाई दे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, आपके थ्रू, आपके प्रश्न के थ्रू इतनी शोभाएं राज्जी ने जो क्लियर करवाई है ना, वो आपको शोभा दी राज्जी ने कि इनके दिल में वो उपजेगा और फिर हम सब सुंदर साथ जी को मिलेगा। ऐसे हर सुंदर साथ विशेष रहे किसी न किसी सेवा में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब चलते हैं प्रियंका जी और उसके बाद, हाँ जी मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे, हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रियंका जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्या बोलूं, अनुभव सब शेयर कर रहे हैं, तो छोटा सा अनुभव मेरा भी, कैसे मैं जुड़ी चर्चनी से। मीनू आंटी लेते थे पहले, तो मेरे पास श्रुति का फोन बहुत आता था, मेरी कजन है और सीमा मासी का, कि करो बहुत अच्छा करा रहे हैं। मैं बहुत डरती थी, मैंने कहा क्या होता है उसमें, तो चुपाई पूछते हैं लास्ट में, बोलनी होती है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे को कंप्यूटर से भी बहुत दूर भागती थी, क्योंकि मुझे ये सब ऑपरेट करना नहीं आता था, जूम मीटिंग क्या होगी कैसे होगी। करते करते पूरा एक सेशन निकल गया। सेकेंड टाइम फिर स्टार्ट हुआ, उन्होंने फिर मुझे बोला श्रुति ने कि प्रियंका करो, बहुत आनंद आता है, बहुत इजी वे में सिखा रहे हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया रंग महल करते करते, नजदीकी परिक्रमा करते करते, पुखराज में जब पहुंचे, बंगला जी चल रहा था, तब मैंने पहली बार उत्तर देने की हिम्मत करी थी। बंगला जी के क्वेश्चन पूछा गया था, मीनू आंटी ने पूछा था, मैंने उत्तर दिया था। फिर मानिक पहाड़ पहुंचे, मानिक पहाड़ में एक मैप जो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उस समय ना मेरी बेटी भी साथ में देखती थी कभी कभी, तो हम दोनों ने मिलके एक मानिक पहाड़ से उतरता हुआ जल बनाया था सबसे पहले।
तो आंटी को भेजा, आंटी ये सही समझ में आया क्या मेरे को, मुझे बताइएगा मैंने सही बनाया। तब से ये मैप बनाने वाली सेवा शुरू हुई। मीनू आंटी ने बोला बहुत सही बनाया, इसको अच्छे से बनाइए और हम सुंदर साथ को इसी से ही समझाएंगे। तो राज्जी की मेहर से तब से ये सेवा स्टार्ट हुई और उनकी मेहर से अभी तक चल रही है। और आप सब सुंदर साथ का इतना प्यार मिल रहा है और हमेशा मीनू आंटी ने बहुत सपोर्ट किया। कई बार मैं कहती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, कहते थे नहीं करोगे, और जब मैं, और कई बार ऐसा हो जाता था नहीं मानती थी, तो किरण आंटी वडोदरा वाली उनके भी फोन आते थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं प्रियंका आप डरा मत करो, करिए आप सेवा जो मिल रही है करते जाइए। तो बहुत सपोर्ट किया सबने, सब सुंदर साथ का भी बहुत प्यार रहा। और मतलब बहुत आनंद आ रहा है कि ऐसे हंसते खेलते हम सब सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों में डूब रहे हैं, राज्जी के श्रृंगार में डूब रहे हैं और ऐसे ही प्रेम से चल रहे हैं। एक चुपाई जो मैंने कल मुझे दिखी फेसबुक में, वो ऑलरेडी दीदी ने आज दिखा दी, नेहा जी ने बोल दी, लेकिन मैं बस एक चुपाई बोलना चाहती हूँ। आनंद वतनी आइयो, लीजियो उमंग कर, हंसते खेलते चलिए, देखियो अपनो घर, देखियो अपनो घर। श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 80 चुपाई 7। प्रणाम जी, सभी सुंदर साची को प्रणाम जी। प्रणाम जी, इतने प्यारे प्यारे नक्शे बनाकर राज्जी ही बनवाते हैं उनसे, पर सुंदर साथ के दिलों में ये शोभा यदि घर की है तो वो उन 3D व्यूज को देखकर ही जरूर हमारी डिस्कशन हुआ करती थी कि इस प्रकार से यहाँ पर ये होना चाहिए, पर हमारा टाइम जोन डिफरेंट होने से सीमा दीदी ने इसमें बहुत सारी जो इनपुट्स डाले कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, पर यदि वो 3D व्यूज सुंदर साथ जी को नहीं दिखाई देते, ये राज्जी ने सोच रखा था कि इस प्रकार ये शोभा क्लियर होगी। एंड मैं देखकर हैरान रह जाती थी कि ये रंग ही इस कंप्यूटर में से कहाँ से चूज करके लाई है प्रियंका, इस दुनिया में, इस काल माया में, इस कंप्यूटर में क्या ऐसे रंग भरे हुए हैं जहां से वो लेकर आई है, पर वो कंप्यूटर में से नहीं निकलते सुंदर साथ जी, वो रंग उनके दिल में से निकले हुए थे इसीलिए वो रंग इतने सुंदर है। ऐसी प्यारी सुंदर साथ जो इतनी डाउन टू अर्थ है, मैं कुछ नहीं बोल सकती इनके सामने, इनकी सेवा के सामने, इनके समर्पण के सामने। वी आर नथिंग सुंदर साथ जी, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं समझती अपने आप को, इतनी सेवा। स्पेशली सुंदर साथ जी, सीमा दीदी, प्रियंका जी और सुप्रभा जी, इन तीन का नाम जब भी कोई वीडियो देखा जाए, स्पेशली मैं इसकी बात कहूंगी क्योंकि मैं एक बिगिनर से खड़ी हुई थी, मुझे एक शब्द भी नहीं पता था। जब बैच शुरू हुआ है ना सुंदर साथ जी, तब भी मैंने सीखा नहीं हुआ था, तब भी पढ़ पढ़ के राज्जी के थ्रू डायरेक्टली लिया है, महाराज जी की वृत्त पढ़ के डायरेक्टली लिया, पर इन तीनों के नाम के बिना इस बैच को कभी संपूर्ण मत समझिएगा, क्योंकि इन तीनों, मैंने दो दो घंटे सीमा दीदी और सुप्रभा जी का सिर खाया है। मैं इसको बोलती हूँ कि मैं छोड़ती नहीं थी कि नहीं आप इनको पढ़ो, नहीं मुझे ऐसे लग रहा है, आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे। और इतने ओपन हार्टेड, मैंने सीमा दीदी इस टाइम है नहीं पर वो जरूर सुनेंगे इस बात को बाद में, इतनी ओपनली उन्होंने हर बात को, चाहे वो कई बार वो बात ऐसी होती थी कि शायद वो संभव ही ना हो, पर उन्होंने इतनी पेशेंस कामनेस से उसको सुना। राज्जी की बहुत मेहर है सीमा दीदी, आपका ऐसे ही आशीर्वाद हर आगे आने वाले सुंदर साथ जो आगे कभी शोभा करवाएंगे, हो सकता है पुखराज से ही कोई नए सुंदर साथ करवाएं, क्या पता राज्जी के दिल में क्या आए कि पुखराज जी ही कोई नए सुंदर साथ से शुरू किया जाए, कौन जानता है, ये राज्जी जानते हैं। पर सीमा दीदी आप हमेशा उनके साथ रहना, आपके बल के, आपके जो प्यार के बिना नथिंग। और प्रभा जी, चाहे वो मेरी माँ है पर मैं आपको बताऊं, कई बार
दिन में चार चार घंटे मैं उनको कॉल करती थी, थकी हुई होती थी, वो सोई हुई होती थी, पर उठ के बोलती थी नहीं जो तुम शोभा बता रही हो ना, लाओ मुझे बताओ, मैं अभी पढ़ती हूँ, मैं अभी पढ़ती हूँ। और प्रियंका जी ने रात को दो दो बजे तक बैठ के जो सेवा की है, हम सुंदर साथ उसके बिना अधूरे हैं। हैट्स ऑफ, क्या कहूँ सुंदर साथ जी, धन्यवाद। ये गोष्ठी के लिए रखेंगे हम इन धन्यवादों को भी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूरा एक घंटा मुझे दीजिए सुंदर साथ जी, मैं इन तीनों के बारे में बोल सकती हूँ एक घंटे तक, इतना प्यार इन्होंने किया। प्रणाम जी। अभी मेरे दिल में सुनो एक बात आ रही, सिर्फ दो मिनट। प्रियंका तुम अपने कान बंद कर लो तुम बंद कर लो, क्योंकि मेरे से कहे बिना रहा नहीं जा रहा। अभी प्रियंका को कोरोना है, ये सोचो आप। अभी वो कोरोना के अंदर सरवाइव कर रही हैं, और दो दिन पहले ही मैंने एक सेवा दी है, और उस वक्त सोचो इतनी खांसी उसको हो रही थी। मैंने उसको बोला कि बेटा तुम रेस्ट करो, मैं किसी और से करा लूंगी, लेकिन उसने उसमें उठकर वो सेवा मुझे सुबह दी कर कर। ये हम उसके गुणगान नहीं कर रहे, हमें उससे शिक्षा लेनी है कि हर पल तैयार है, जाके धनिए पकड़े हाथ, इन सेवा के कही साथ, जाके धनिए पकड़े हाथ। तो हमें सीखना है, उसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहे हम, बस एक गुणगान मेरे धनी का, और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये इंस्पायर करती है। और मीनू दीदी, आई कैन गारंटी प्रियंका जी तो सेवा में आगे हैं ही, हमें ये पता नहीं था कि कितने सुंदर साथ जी को पीछे से कोई एम्बुलेंस में हॉस्पिटल होकर आए थे, कोई सुंदर साथ, कितने सुंदर साथ को कार्यक्रम के दौरान भी कोरोना हुआ। इवन की आई वॉज देयर, आशीष वॉज देयर, और बहुत सारे सुंदर साथ, इतने सारे सुंदर साथ जी ने ये जो मिसाल कायम की है ना एक, कि इतनी माया की अड़चने आई पर वो फिर भी यहाँ बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, मैप बना रहे हैं। वाह राजी महाराज वाह, क्या बात है, देखा है उनकी मेहर को साक्षात होते हुए भी यहाँ पे, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सुंदर साह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं क्या बोलूं, बोलना तो मुझे नहीं आता, कहाँ से स्टार्ट करूं। मैं शिकागो जूम से जुड़ी थी पहले, वहां पे मीनू दीदी की चरचरनी स्टार्ट होती थी, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब जैसे ही चरचरनी स्टार्ट होती थी मैं लीव हो जाती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था चरचरनी में, मैं लीव हो जाती थी। और फिर कई सुंदर साथ ने बोला नहीं मीनू दीदी की चरचरनी आप सुनिए, मैंने वीडियो स्टार्ट की देख ली, बड़ा आनंद आता था, कितना पेशेंस से वो मतलब सिखाती थी, करती थी एक बात को कितनी बार रिपीट करती थी। फिर उसके बाद मैंने जब शिकागो वाले में शाम को एक बार सरोज दीदी के थ्रू प्रोग्राम स्टार्ट था, तो मैंने कहा दी तो गिनतियों में तो वीक है, कुछ नहीं आता, चरचरनी में तो गिनतियां चाहिए। मीनू दीदी ने बोला नहीं दीदी गिनतियों से नहीं होगा, नए नक्श से निकले हैं, नए नक्शों के हिसाब से बहुत इजी चरचरनी स्टार्ट होने जा रही है। और समय हुआ 6 बजे का, 6 बजे तो शूट नहीं करता, सबसे पहले नहाते ही तो सेवा पूजा करके माया के कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा राजी ने मेहर की, ये तो मेरा ही टाइम है, सुबह का टाइम, ना कोई फोन की डिस्टर्बेंस, ना घर के काम की डिस्टर्बेंस, इतना अच्छा राजी ने समय सूट किया। फिर उसके बाद चरचरनी जब स्टार्ट हुई, इतना डर लगता था, इतनी दहशत थी, कभी हैंड रेज करे कभी नीचे करे, कभी हैंड रेज करे कभी नीचे करे, कांपता था, कभी कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ ना ले, कंपन जो स्टार्ट होती थी अगर कभी बोल भी जाते तो 20-25 मिनट तक शरीर कांपता था, इतना डर लगता था बोलने में जूम में। अब ऐसा राज्य ने अवस्था बना दी, जब तक हैंड रेज ना करके दो शब्द राज्य के बारे में और परम धाम के बारे में ना बोले तो शांति नहीं मिलती है, ऐसी अवस्था आ चुकी है। और राज्य ने मन में डाला अगर मुझ युगल स्वरूप तक आना है तो जो सोनिया जी जो आशीष जी कार्य कर रहे हैं इस युगल स्वरूप का हाथ मत छोड़ना, ये ही दर्शन करवा सकते हैं मुझ परम धाम के युगल स्वरूप का, ऐसा राज्य ने अवस्था कर दी। और एक शुक्राना मैं बोलना चाहूंगी अनीता दीदी और आशिमा जी की क्लास का, जैसे ही सहयोगिता की डेट स्टार्ट हुई
उन्होंने जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, बहुत कुछ सीखा उन क्लासेस से, इतना मन मन में भाव डाल दिया इतना एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करने के बाद। और अब तो ऐसा हो गया है कि अब आज से जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे सुना सुना लगेगा सारा, और आसपास ऐसा माहौल हो गया कि माया का भी कोई शब्द आता है ना तो ऐसा गूंजता है कि परम धाम का शब्द उसमें शामिल हो जाता है, ऐसी चर्चने की सेवा का शब्द उसमें शामिल हो जाता है और बहुत आनंद आता। और जो सहयोगिता की दहशत को जो आनंद में बदल दिया ना, अब तो ऐसा लगता है ये सहयोगिता की दहशत पल पल बरसती रहे, इसका आनंद हमें पल पल महसूस होता रहे। दीदी प्रणाम जी, और ज्यादा तो मेरे को कुछ नहीं बोलना आता है, और बस आनंद ही आनंद। आपने अभी एक बात कही, मैं भी वही सोच रही थी, जब शुरू हुआ था ना तो ऐसे ही था कि बहुत इजी वे में करना है, कोई गिनतियां नहीं होंगी, पर जितनी गिनतियां हमने गिनी सुंदर साथ जी ने बैठ के, और सुनीता दीदी गिनती में मास्टर हमारी सुनीता दीदी, अभी प्रश्न पूछो गिनती बाहर, और गिनतियों ने कितनी शोभाओं के जो पैकेट खोल खोल कर लाए, जो हमें पता ही नहीं था पर राजी देना चाहते थे कि अगर इसको खोलोगे तो ये मिलेगा, नहीं खोलोगे तो ये नहीं मिलेगा। मैं खुद भी नहीं जानती थी सुंदर साथ जी, अभी आपसे डिस्कशन करेंगे हम सुंदर साथ कि आगे क्या होने वाला है। हाँ जी सुनीता दीदी, तो दीदी ऐसा लगता है कि जो हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ाई की है ना वो पढ़ाई अभी सार्थक हो रही है। बिल्कुल, तो हमने इतनी मेहनत की है सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ का आपने बोला ना, हाथ खड़ा करते थे नीचे कर लेते थे खड़ा करते थे, एक सुंदर साथ का मुझे कॉल आया कि सोनू जब मेरा हाथ ना ऐसे ऐसे करके खड़ा हो रहा हो ना, मतलब आई एम कंफ्यूज्ड, मेरा ना खोलना मत, जब एक बार खड़ा करके फिर कर लू ना, मतलब आई एम प्रिटी श्योर मेरा देखा करो, और जब मैं बिल्कुल ही नीचे सा खड़ा हो ना ऐसे तो समझो मैंने वैसे ही किया हुआ है एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, तब मुझे बिल्कुल नहीं खोलना था उन्हें। तो मैं उनकी फोटो देखती हूँ, तो अगर तो ऐसे दो बार होता है तो मतलब पक्का खोल दो उनको। तो इतने प्यारे प्यारे अनुभव सुंदर साथ के हुए, और आपने भी अभी बताया बार बार नीचे कर लेते थे, यही चीजें यही बातें हमारी मेमोरीज बढ़ा रही हैं इस खेल में, जो हमने गोल्डन मेमोरीज बनानी है ना सुंदर साथ जी, जो वहां जाके हमने डिस्कशन करनी है राजी के पास, ये मेमोरीज खूब खूब बनाइए अपने सुंदर साथ जी के साथ और इनका खूब आनंद लीजिए। प्रणाम जी। हमारे जो टीम के जो सदस्य हैं श्रीनिवास जी और सुषमा शर्मा जी, जब भी इनको कॉल किया इन्होंने तुरंत मेरा फोन उठा के तुरंत मेरे को इन्होंने जवाब दिया, और रात में 10:30 मैंने सुषमा जी को कॉल किया, सुषमा जी को मैंने बोला आज मैं तुमको काफी देर तक डिस्टर्ब कर सकती हूँ क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन अटक रहे हैं मैं पूछने के लिए, उन्होंने हाँ दीदी मैं 10:00, 11:00, 12:00, 2:00 जब भी आप कॉल करेंगे मैं हाजिर हूँ, आप कभी भी कॉल करके मेरे से आंसर पूछ लेना। तो इतना साथ दिया हमारी टीम के कैंडिडेट ने, बहुत हेल्प की क्योंकि मैं तो पहली बार सीख रही हूँ, इतना मेरे को कुछ आता नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बात है, ये टीम्स ना एक परिवार बन चुकी हैं, रोज उनके मैसेजेस होते हैं, रोज बातें होती हैं, तो ये सबसे डिवाइन परिवार अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुनीता दीदी मुझे हमेशा याद रहेगा, आप याद रखिएगा, परम धाम जाके भी ये बात होगी कि पांचवीं भौम का सरप्राइज हमने सुनीता दीदी को दिया था और कैसे कैच करके वो श्री रंगपर वाली मंदिर भाग कर चली गई थी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी अंजलि जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। सभी का एक ही सही है कि इतना आनंद सबको मिला है कि उसकी कोई पारावार ही नहीं है, और मुझे तो इससे ना 14 किताबें 14 अंग राजी के, और जो हमारी 14 टीमें बनी तो बीतक का याद आता था कि बीतक में भी जैसे 14 अष्टपहर की सेवा में 14 बारियां होती थी, सब अपनी अपनी बारी में शामिल होते थे, और एक पंजाब की एक सखी चंद्रावली सबका साथ देती थी, सहयोगिता निभाती थी सभी टीमों का,
तो ऐसे ही सुमरे भी बिल्कुल वैसे ही सभी टीमों को सहयोग दिया, सभी को पूरा पूरा 100 में से 100 दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो मीनू दीदी, किरण दीदी, जयपुर वाली किरण दीदी, सभी ने मतलब इतने जो मैप्स थे वो इतने हेल्पफुल रहते थे। गूगल के जो ये गूगल फॉर्म पे क्विज थी, काफी बार ट्राई की एक एक क्विज को, कुछ कुछ थोड़े दो दो महीने बाद, तीन तीन महीने बाद दोबारा कर लेते थे। और खुशी से बता, एक आनंद से ये चितवनी को सीखा इसमें, कि कोई ऐसा नहीं लगा कि बड़ा मुश्किल चीज है, मतलब एक आनंद आता रहा। तो शुक्रिया ही शुक्रिया है राजी की मेहर, बस यही कहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये मेरी बचपन की सखी हैं, इतनी डाउन टू अर्थ हैं। श्री रतनपुरी आश्रम में हम मिलकर झाड़ू पोछे की यानी सफाइयों की सेवा किया करते थे, और ये इतनी प्यारी सखी हैं, और मुझे अचानक से एक दिन जूम में मिल गई, मुझे इतनी खुशी हुई देखकर, ऐसे लगा आश्रम की पूरी वो गोल्डन मेमोरीज रिवाइव हो गई हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस सखी के अंदर अब तक राजी ने इतना भंडार भर दिया हुआ है कि, और आपने बिल्कुल सही कहा अंजलि, पर केवल श्री चहबच्चे के साथ मैंने कोई सहयोगिता नहीं मिल पाई। नहीं नहीं, सभी के साथ, इवन हमारा जो ग्रुप भी मतलब बना, पहले सबसे पहले मुझे सुनीता भगत जी का फोन आया था दिल्ली वाले सुंदर साथ, कि ना ऐसे कंपटीशन में पार्ट करोगे। मैंने कहा मुझे अभी आता नहीं है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से नहीं आता, ठीक है थोड़ा थोड़ा आता है। कह रही नहीं कोई नहीं, हम कर लेंगे, एक टीम बनानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लिख लो दिल्ली के ही। तब उन्होंने 4-5 दिल्ली के सुंदर साथ ही डिसाइड किए। अगले दिन जब टीम अनाउंस हुई तो नाम कुछ और आए। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ये तो टीम के मेंबर ही बदल गए हैं भैया, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। फिर कांटेक्ट हुआ, नया ग्रुप बना, प्रियंका, फिर मैं सॉरी, मैंने कहा प्रियंका को मैप से तो जानते थे, अब प्रियंका से मिलना भी हो गया तो बहुत उसमें भी एक ग्रुप का अपना रहा। चांद कमल आंटी जी से बात होती रही, तरवीन जी, तो इवन कल भी मतलब मैप प्रियंका ने शेयर करके हमें दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करवाए। एक दिन और पहले मीटिंग होती रही, उन्होंने वो क्लासेस भी ली थी मतलब रिवीजन की, मेरी कई बार हो गई कभी नहीं हुई, मिस भी हो जाती थी। तो बहुत अच्छा ही रहा, और खुशी ही खुशी में सब कुछ राजी ने सिखा दिया। और मतलब अब तो हमारी ना वोकैबुलरी भी जो है वो इस चर्चनी से रिलेटेड ही हो गई है, सारे वही वही सारा दिन शब्द रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। प्रणाम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आशीष जी कल बोल रहे थे, मैंने पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा है जिसका नाम सहयोगिता है, पर उसकी स्पिरिट में प्रतियोगिता से कम उसकी स्पिरिट नहीं है। इतनी तैयारी सुंदर साथ ने उसकी की है ना, कि ये नहीं कि नाम सहयोगिता है, सहयोग पूरा देंगे, पर स्पिरिट की तैयारी अपनी पूरी रखेंगे। इतनी सुसज्जित जो टीमें आई है ना, बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी, बिल्कुल अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हिंडोले से शांति देवी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, पहले बाणी पढ़ती थी लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। जब मीनू दीदी के क्लास होने लगा तो कुछ कुछ बता रही थी, तो परिक्रमा ग्रंथ में गए, कुछ कुछ समझ में आने लगा जब सिखा रही थी जी चर्चा में। तो इस तरह से करते जब टीम बना तो मैं नाम अपना नहीं बदलवाना चाहती, पता ना दादाजी की मर्जी से मेरा नाम उसमें आ गया। अब तो अच्छा लग रहा है, अब क्या। प्रणाम। प्रणाम जी, हमें खुद बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यारे प्यारे उत्तर दिए, और जिस प्रकार आपका नाम है ना, वही नाम आपकी टीम में पूरी शांति की तरह फैला हुआ था, और इतनी प्यारी टीम रही, अति सुंदर। शांति आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, दो और पिलर्स में मैं जरूर अनु जी का नाम, अगर एक पंजा बनता है ना, तो ये तीन नाम तो हैं ही, प्रभा जी, सीमा दीदी, प्रियंका जी, अनु जी का नाम लेना मैं नहीं भूल सकती। और साथ में सुंदर साथ जी, पांचवी वो सामने बहुत कम आई, पर उनका अंदर से सहयोग रहा, शिल्पा जी। ये पांच सुंदर साथ जी ने इतना सपोर्ट किया कि जब कभी लाठी भी पड़ी तो उन्होंने संभाल लिया,
और बहुत सारे सुंदर साथ रहे जिनको राजी की तरफ से अंत प्रेरणा ही वो देते रहे कि नहीं आज एक कॉल की जरूरत है इनको भी, और वो कॉल उनकी तरफ से ही आता रहा। वो सुंदर साथ जी के नाम भी मैं आपको सारे बताऊंगी, गोष्ठी इसी के लिए है, बिग डे, हम जल्दी ही उनका भी अनाउंस करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम गए थे हिंडोले के पास, अब चलते हैं चह बच्चा टीम के पास, वन बाय वन ले रहे हैं सुंदर साथ जी। आई थिंक प्रभा जी हमारे पास नहीं है अभी, अभी हम चलते हैं चांद कमल आंटी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया। बेटा मेरे को तो बोलना भी शब्द ही मेरे कम हो गए, मैं जब से आपने ये शुरू की, मैंने पहले भी बताया था मीनू जी की क्लास मैंने एक दो बीच बीच में सुनी थी, लेकिन चूंकि बीच बीच में सुनती थी तो समझ नहीं आता था। आपकी जब अनाउंस हुई मुझे पता चला तो मैंने पहले दिन से ही ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद तो मुझे इतना आनंद आया कि एक दिन भी छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। और वीडियो में इतनी बार देखती हूँ, पूरा दिन मेरा इसी में ही बीतता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तू तो बात ही नहीं करती है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बात करने का, मैं इतनी बिजी रहती हूँ। आप बिलीव करोगे रात भर की मैं जागी हूँ, मैंने पूरी रात एक बार और सारे देखे वीडियो जल्दी 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 जल्दी। सुबह के 3 बज गए, बेटा गुस्सा करने आया मम्मी बीमार पड़ जाओगे, मैंने कहा कोई बात नहीं राज्य के लिए बीमार पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। पर सचमुच बहुत आनंद आया और बहुत अच्छी तरह समझ में आया। हालांकि क्वेश्चन अभी अभी बीच बीच में कई नहीं आते मुझे, लेकिन हाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही देखे हैं, ना तो मैंने अभी वो पढ़ी है विरत पढ़ी है, ना ही मैंने नोट्स पढ़े हैं। लिए जरूर थे मैंने नोट्स लेकिन नहीं सुने। मेरे को अभी इसी में इतना आनंद आ रहा है, मैंने उनको ना मतलब रखा हुआ है बाद में मुझे ये सब कुछ करना है। मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मेरी एक लाइब्रेरी है, बुक्स तो मेरी कमजोरी है और मैं विरत भी जरूर पढ़ूंगी, लेकिन अभी मैं इसमें खोई हुई हूँ और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए 170 180 वीडियोस कम से कम 3 बार वो देख चुके हैं, और जब उन्होंने ये बताया कि मैं देखना चाहती हूँ पर तब सहयोगिता जल्दी रखी गई थी, मैं इतनी जल्दी कैसे देखूं। प्रियंका जी ने हमें वीडियो बना के भेजा कि किस प्रकार हम उसको फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी देख रहे हैं, देख सकते हैं। चांद कमल आंटी इतने सारे फोन, अब जब सहयोगिता रखी गई ना तो मुझे इतने फोन आए कि चांद कमल आंटी को और प्रियंका को थैंक यू करना, क्योंकि उस टेक्निक की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमने सारे वीडियोस देख डाले आगे आगे जल्दी जल्दी करके। तो अति सुंदर, और आपके दिल में जो शोभा बसी है ना, मैं हैरान रह गई थी। YouTube में आंटी का कमेंट आया कि यहाँ पर ऐसी शोभा श्री रंग महल के चबूतरे में ऐसी शोभा कैसे है, मैं हैरान रह गई। पहली बार सीखने वाले सुंदर साथ, पहली बार इतने सारे वीडियोस देखने वाले, वो इतनी गहराई के प्रश्न पूछ रहे हैं। YouTube में उत्तर दिया पर मैंने उनको कॉल किया, आंटी ये ऐसे है, पर मुझे इतनी खुशी हुई वो पढ़ के, मैं बता नहीं सकती आपको। प्रणाम जी। बहुत आप लोगों का सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत राज्य की सब मेयर बस आप पर ऐसे ही बनी रहे और बस हम लोग आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। मैंने देखा प्रभा बहन जी सीढ़ी आखिरी पे खड़े हो आप, हम अभी पहली सीढ़ी पे हैं, हाथ पकड़ के खींच ही लेना बस ऊपर चढ़ी जाएंगे आपके साथ। उड़ेंगे नहीं। प्रियंका प्रियंका साथ साथ में मैप बनाती जाएंगी और हम हाथ पकड़ के चढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। वैशाली जी, प्रियंका जी कितने सुंदर, मनन बेटा, मनन बेटे मनन ने भी बहुत सुंदर मैप बनाए, बहुत सुंदर मैप थे उनके। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हिंडोले से सुषमा शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले मैंने एक कुछ दो लाइनें बनाई है उनको बोलना चाहूंगी। हाँ जी। ना जूम से जुड़ते, ना हर रोज अपनी प्यारी सखियों से मिलते, ना धनी जी के चरण कमल हृदय में आ बसते, ना धाम की गलियों में फिरते। प्रणाम जी। जूम का इतना बड़ा सहयोग रहा है कि हम उसी की वजह से आज इतना कुछ सीख पाए हैं,
वरना कभी जाते थे साल दो साल चार साल में, कभी कोई पूरा पूरा कोई भी शिविर अटेंड नहीं कर पाए। और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बस क्या बताऊं। श्री सबसे पहले मैं अपने सभी साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री प्राणनाथ प्या जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी मेरे जो दोनों किरण आंटी जी हैं, दीदी हैं, और सोनिया दीदी, किरण दीदी, आशीष जी, सबका इतना बड़ा सहयोग हमें धाम में विचरण करने का मिला है, बस मैं बता नहीं सकती उससे ज्यादा क्या कहूँ। श्रीनिवास जी के द्वारा हम जगाए हुए, वरना हम पता नहीं आग पानी पत्थर ही पूजा करते रह जाते। ये हमें तो सरकार श्री जी या किसी भी सुंदर संस्था दर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन श्रीनिवास जी के द्वारा हम जगाए गए। मेरी मम्मी डैडी के इतने अच्छे संस्कार हमें दिए गए जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और रमा जी के द्वारा हमें जूम में जुड़ने का अवसर मिला, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप जूम में जुड़ो, उसी से हमें ये सब कुछ लाभ प्राप्त हो चुका है हुआ है। वरना पहले तो वही सबकी स्थिति थी कि म्यूट अनम्यूट करते हैं कि कहीं कोई हमको ना सुन ले, या फिर एड्रेस करते हैं, बस वही कंडीशन थी सबकी। लेकिन अब वैसे दहशत तो मुझे नहीं थी क्योंकि राज जी ने हमें यहाँ भेजा है, चरणों में बिठा के उन्होंने सारा माया का खेल भी दिखाया। वैसे ही वो हमें पकड़कर अपने धाम भी ले जाएंगे, गलती होगी तो उसे भी वो माफ करेंगे, इतनी बड़ी गलती तो की माफ राज जी ने, तो इन गलतियों को भी माफ करेंगे, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा। और कभी हम और आप बाल अवस्था में रतनपुरी मिले हैं, उसके बाद कभी नहीं मिले। अब जूम के द्वारा ही हम इस युवावस्था में भी एक दूसरे से मिल पाए हैं, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। आपसे कई बार मैंने पर्सनली फोन करने की भी वो इच्छा जाहिर की, पर आप बहुत बिजी होते हैं इसलिए नहीं कर पाती, रुक जाती हूँ कि कभी फिर करेंगे। वैसे हम साथ में रहे हैं लेकिन आप शायद हमको नहीं जानती होंगी, रतनपुरी आश्रम में मिले थे बहुत बार, रमा, अनु, रेणु, इनके साथ अनु, योगिता, हम, आप सब, हम एक साथ, हम एक एज देते थे, बातें नहीं हो पाती थी उस टाइम क्योंकि हम गांव के मतलब बैकवर्ड एरिया से थे, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था आप जैसे लोगों से बात करने का। अब जुटा पाते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा कि बस शब्दों में नहीं आ पाते, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास माया ने ना कुछ ज्यादा ही प्रबलता गाड़ी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा कम समय दे पाती हूँ। और पढ़ाई मेरी सही मायने में अब कामयाब हुई है, बच्चों को तो मैंने 8th class तक गाइड किया था, उसके बाद नहीं हुआ, मैं रोती थी, डैडी मुझे कुछ नहीं करने दिया, आपने पढ़ाया भी, ससुर भी नहीं कुछ करने दिया। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इसलिए मुझे डैडी ने पढ़ाया, एक तो अपने धाम जाने में इस पढ़ाई से ही सहयोग हो पाएगी। गाँव में रहते हुए ट्रैक्टर से लेके गए, चाहे स्कूटर से लेके गए, चाहे बुग्गी से, हमको पढ़ाया मेरे डैडी ने, मम्मी ने, तो ये पढ़ाई मुझे अब कामयाब मिल रही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, डैडी का धाम गमन हो गया था अभी जनवरी में, तो उससे थोड़ी मुझे चलचले में प्रॉब्लम हुई। लेकिन मेरे जो साथी हैं श्रीनिवास जी, रीता दीदी, दिव्या जी और बाकी सबसे मुझे काफी सहयोग मिला, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक ये सब कुछ कर पाई। और आपके और सब किरण दीदी, मीनू दीदी, सबके सब चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशीष जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि आप चर्चनी में, चितवनी में, वाणी मंथन में बहुत फॉरवर्ड हैं, तो कभी भी ये ना कहिए कि बैकवर्ड या ऐसे नहीं, हम सब सुंदर साथ समान, आप इन चीजों में राज्जी के अखंड खजाने में कितने फॉरवर्ड हैं, हम सब सुंदर साथ और भाग्यशाली भी हैं जो हमें ये मिल रहा है। और मैं आपको आज ही कॉल करूंगी, आपने दिल में क्यों रखा, हम जरूर बात करेंगे राज्जी की मेहर से, और वो पुरानी सुनहरी यादों को जरूर रिवाइव करेंगे। प्रणाम जी की वो बस यादें बहुत ज्यादा हैं वो, लेकिन अब शरीर से नहीं दिख पाते हैं, वो बात अलग है। स्वामी जी और किरण आंटी जी, बड़े महाराज जी, सभी की कृपा रही है तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना हमारी क्या हो पाती, हम तो
आग पानी पत्थर की पूजा करते रह जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हमें सरकार श्री स्वामी जी और अपने जो परमहंस महाराज जी जिनकी हम ये पढ़ रहे हैं ना, हमें उनके नाम लेने हैं। श्री जुगलदास महाराज जी, जवाहरदास महाराज जी, लालदास महाराज जी, वो तीन जो राज जी ने भेजे ना, उनके बिना तो ये चर्चनी के कार्य में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि उन तीनों के नाम ही लिए जाएं ताकि हमारे अंदर उनका आशीर्वाद आए। राज जी ही है हमारे और कोई नहीं है। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब हम चलते हैं, आई थिंक दिव्या जी नहीं है और नेहा जी वो वैसे जॉब पे चली गई होंगी, और हमारे पास मीना बेन यानी के हम जिनको जैमिनी जी के नाम से जानते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमें तो सखी कुछ ही आता नहीं था, लेकिन जूम मीटिंग अटेंड किया तो सब बोलना सीख लिया, आपसे बातें करना सीख लिया। वो सागर पटेल है ना, उसने मुझे दिया था एक लिंक, तो बोला अटेंड हो जाओ ऐसे घर बैठे सब मिल जाएगा। तो ऐसे सीरियल ये सब देखते रहते हैं, निद्धम श्री प्राणनाथ जीवाणी यूट्यूब चैनल पे बार बार ये सब देखते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। पूरा दिन बस अपना ये मीनू दीदी दिखती है, सोना दीदी दिखती है, किरण दीदी दिखती है, कभी भी देखो तो ये बस मोबाइल में भी यही देखते रहते हैं। अभी अच्छा लगता है, सब भी आ गया, अभी तो आपने सब सिखा दिया। और वो दादी ने बोला है, ज्यारे धनी दंडवत करे त्यारे बल वे लेना रहे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार। और राज्य ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बस दीदी ऐसा बहुत नहीं बोलना आता है। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी के साथ मिलकर जरूर हम सभी सुंदर साथ पुखराज जी की सैर करें तो कितना अच्छा हो। श्री मूल कुंड की तरहटी में वो शायद पहुंचने वाले हैं अभी। मैं जितना हो सके, जितना समय मिले, अभी सहयोगिता में थोड़ा सा बिजी चल रहा था, पर कोशिश करती हूँ वीकली वंस ट्वाइस जितना टाइम मिले किरण दीदी की क्लास जरूर अटेंड करें। और अगर बाय चांस नहीं भी जा पाते तो वीडियोस कितने प्यारे प्यारे उनके आ ही रहे हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, यदि कोई और सुंदर साथ हो, मैंने अभी ढूंढा था, वैसे आई थिंक अभी तक लीव हो चुके हैं, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं यदि रह गए हो, नहीं तो फिर मिलकर हम सब सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, जितने सुंदर साथ मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, सारे मिलकर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अनीता दीदी, अनीता दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? आशीष जी को ना ये पांच पिलर में मैं मानती नहीं, आशीष जी तो अंदर ही हैं। सबसे बड़ा काम तो वही है, उनका ही है, वो खजाने के खजा, जैसे पुखराजी पहाड़ के अंदर ना खजाने के ताल है ना, तो उसमें जो बीच का जो पिलर है ना वो आशीष जी है। बिल्कुल, वो हमेशा, आप मानोगे श्रीनिवास अंकल, पहले दिन की क्लास थी ना, ऐसा यहाँ का कोई पति होना बहुत मुश्किल होता है, वो यहाँ पे एक टांग पे खड़े हुए थे कि ये नक्शा नीचे आ रहा है, ये ऊपर है, अभी सहयोगिता हो रही है, एक एक चीज वो खड़े होके मुझे बताते हैं, अभी ये ठीक नहीं है, अभी ये नहीं है, वो उनके लिए तो मैं कोई शब्द बोलूंगी भी ना, तो इलेवेंथ और सेवनटींथ वाला जो बैच था जिसमें इन्होंने अपना क्विज सेशन लेना था, वो दो रह गए थे, उसके बाद का मुझे नहीं पता है,
तो दिन तो एक ही मिला कल का। अच्छा दो रह गए थे, एक मिनट अभी अभी बताते। 17 तो कल ही है ना दीदी, 17 वाले कल करेंगे अपना पूरा 17 वाले। वो 11 कल आपका ही है ना? हाँ जी हाँ जी, तो कल बिल्कुल श्री सुखपाल ही करेंगे पूरा फ्राइडे उनका, मंडे मिलेगा श्री कांगरी टीम को। ठीक है हाँ जी, और फिर ट्यूसडे से प्रेजेंटेशंस शुरू हो जाएंगे। तो ये फुल सेशन यानी 1 आवर का हमारे पास है कि आधा सेशन? फुल सेशन, जैसे फ्राइडे क्विज होता है ना पहले, बिल्कुल वैसे ही चलेगा कल। हमारा गुर्ज का कब मिलेगा? और बिल्कुल जैसे फ्राइडे सेशन होता है, जिनका मिस हुआ है उनको मंडे पूरा मिलेगा, है ना? उस फ्राइडे को मंडे पे ट्रांसफर कर दिया गया बस। तो हमारा